गुड आफ्टरनून एवरीवन, सभी ध्यानियों का मैं श्वेता अग्रवाल कोलकाता से आप सबका स्वागत करती हूँ। अल्फाबेट सीरीज ए टू जेड हमारा स्पिरिचुअल सीरीज जो चल रहा है, आज है उसका डे सिक्स और लेटर है एफ। एफ फॉर फॉरगिवनेस, क्षमा याचना, मांगना और देना। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और इसी पर फॉरगिवनेस मेडिटेशन करेंगे, जिसको मैंने बाद में रखा है क्योंकि इस विषय को जब तक हम अच्छी तरीके से समझें जानें और उसके बाद हम इस ध्यान को करेंगे तो हम पूरे तन मन आत्मा से फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर पाएंगे, सबको क्षमा दे पाएंगे, क्षमा मांग पाएंगे। तो इसलिए आज का मेडिटेशन मैंने बाद में रखा है और ये एक ऐसा विषय है जो सबके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जितने हम पुराने ध्यानी भी हैं, अगर और लगता भी है कि हाँ हम रोज अब फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते भी हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी रोज कुछ ना कुछ नया आ ही जाता है। तो जो डेली भी करते हैं उनको भी कि हाँ मुझे कंटिन्यू ही रखना है, और जो नए हैं, अगर जो नए जुड़े उनके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आज का सेशन। इसको आज दो पार्ट में ये डिवाइड है। जो टॉपिक जो हमारा फॉरगिवनेस पे है, वो पहले तो कि माफी अगर हम नहीं देते हैं तो क्या क्या होता है हमारे साथ, तो क्या होगा हमारे फिजिकल बॉडी में और हमारे पूरे लाइफ में, और दूसरा कि माफी देना क्यों जरूरी है। ये सब चीज हम लोग समझेंगे। पहले ना दें, किसी को हम क्षमा नहीं कर रहे हैं और अपने मन में सब कुछ रखे हुए, तो क्या होगा हमारे साथ, और दूसरा ये कि हम कैसे दें और क्या क्यों जरूरी है। तो फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं आज के विषय पे। तो जब से हमारा जन्म हुआ है, जब से हम जन्म लेते हैं तब से लेकर अभी तक की उम्र में, ना जाने कितने बार और कितने लोगों ने हमारा दिल दुखाया होगा, कभी अपमानित हुए होंगे, कभी किसी ने विश्वासघात किया होगा, चीटिंग किया है या हमारी अच्छाइयों का फायदा उठाया है। होता है, सबके संग होता है और पूरे लाइफ में कभी ना कभी जरूर होता है सबके संग, और कभी किसी के लाइफ में ज्यादा, किसी के लाइफ में कम। तो बचपन से लेकर अब तक ना जाने कितने लोगों ने हर्ट किया, हम जानते ही कितनी बार दिल दुख जाता है, इंसल्ट हो जाता है, चिटिंग हो जाता है, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं लोग कि हमारी अच्छाइयों को हम उसका बात माने जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं तो वो फॉर ग्रांटेड ले लिए, या फिर उनकी वजह से बहुत पेन मिलता है, सफरिंग मिलता है, सौरव मिलता है हमको हमारी लाइफ में। और कैसा एक एक बल्कि ये कहते हैं कि एक बच्चा जब जन्म लेता है, छोटा बच्चा, वो भी कोई अच्छा बुरा नहीं समझता है, फिर भी तब भी क्या होता है, बच्चा छोटा है, सो रहा है, मम्मी किचन में है, खाना बना रही है, लाइट अगर चली गई, बच्चा उठ गया, थोड़ा सा छोटा ही है समझ, हल्की फुल्की समझ है, अब वो क्या हो रहा है, वो रो रहा है, उसको लग रहा है कोई नहीं है कमरे में, मेरे को अकेले छोड़ दिया गया है, मैं अकेला हूं। एक छोटे बच्चे में भी ये फीलिंग आ जाती है और वो कहीं पर उसके दिल में एक इमोशन बैठ जाता है, बन जाता है। मम्मी जब तक किचन से तब अपने बच्चे को उठा के लेने आ रही है, तब तक भी उतने देर में भी एक कुछ ना कुछ नेगेटिव इमोशन बन जाते हैं। तो जब एक तो हम लोग तो जैसे जैसे अब तक बड़े होते आए, तो कितना कुछ सप्रेस्ड इमोशन हमारे अंदर मौजूद होगा, हमको पता भी नहीं चलता है कि ठीक है बचपन में कभी माँ बाप ने पिटाई करी थी, अब हमको लगता है कि हमारे पेरेंट्स हैं और हम उनसे थोड़ी ना नाराज हैं। लेकिन क्या होता है, जब कभी अगर पिटाई पड़ी होगी, अब आजकल तो क्यों नहीं करते हैं पेरेंट्स, लेकिन पहले तो उस तरीके से कहीं ना कहीं अंदर में माफी न देने वाली भावना जमा हो गई थी। अब और क्या होता है कि स्कूल के टाइम में पहले टीचर ने पनिशमेंट दे दिया, सबके सामने इंसल्ट हो गई, सबके सामने वो डांट दिए या पनिशमेंट हो गया, तो क्या हो गया, इंसल्ट वाली भाव कि टीचर ने इंसल्ट किया है। बेस्ट फ्रेंड, और हम किसी को बहुत बेस्ट फ्रेंड मानते हैं और उसके लिए बस सब कुछ लगता है कि हाँ वही है मेरा सब कुछ और मैं भी उसकी ही बेस्ट फ्रेंड हूँ, लेकिन कभी वो कोई और बेस्ट फ्रेंड बना लेता है, कोई और आपसे अच्छा उसका दोस्त बन जाता है और फिर तकलीफ हो गई। तो
समझ रहे ना, इस तरह से छोटी छोटी बातें बचपन से लेकर अब तक में, कभी होता है क्या, और फिर कभी प्रेमी प्रेमिका, अगर दिल टूट गया, रिश्ते रिश्ते आगे नहीं बढ़े किसी भी कारण से, तो भी बहुत सारे अंदर में ग्रीफ सौरो जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और कभी फिर पार्टनर से झगड़ा, हस्बैंड वाइफ का आपस में झगड़ा हुआ, सास बहू का झगड़ा हुआ, और फिर या फिर बच्चों के संग अनबन हो गई, और ससुराल में या कहीं बड़ों ने किसी ने ताना मार दिया, तो बहुत बहुत सारे इस तरीके से हमको पता नहीं होता। हम लगता है ठीक है, हम 2-3 दिन थे सैडनेस में या बुरा लग गया और अब हम भूल गए हैं, लेकिन फिर भी कभी याद आ जाए वो बातें तो दुख हो जाता है, आंख में आंसू आ जाते हैं, यानी अभी भी है, कहीं ना कहीं है। तो कितनी बार जीवन में ये सब चीजें घटित होती है, कभी आपके भी जीवन में कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा, और दिल में बहुत सारी तकलीफ इकट्ठा हो जाती है, कड़वाहट पैदा हो जाता है। तो कोई भी ऐसा इंसिडेंट जीवन का जो अभी तक आपके मन में नासूर की तरह बना हुआ है, पैदा अभी तक जमा है, तो कोई भी व्यक्ति है या कोई भी इंसिडेंट आपको जब भी याद आए, तो वही कि मन में कैसे भाव उठ रहे हैं वो सारे, कभी कभी कुछ भी नहीं, अचानक से बैठे बैठे ही वो सारी चीजें याद आ गई, और कैसे भाव उठते हैं, तब फिर क्या होता है कि मन में बहुत सारी तकलीफ पैदा हो जाती है तकलीफ, और फिर आप सोचते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तो उसे कभी माफ नहीं करूंगी या करूंगा, इस जन्म तो क्या 7 जन्म तक मैं तो नहीं माफ करने वाली। ऐसा हम सुनते हैं कई लोगों के मुंह से सुनते हैं कि बिल्कुल ही नहीं, इतना बड़ा उसने तो ऐसा ऐसा मेरे साथ किया, तो मैं तो 7 जन्म तक उसको नहीं माफ करने वाली। इसका क्या मतलब हो गया कि आपने 7 जन्म तक उस इनवाइट कर लिया है उस चीज को, आप 7 जन्म लेकर आएंगे और वो इंसान भी आपके जीवन में आएगा और वो इंसिडेंट भी होगा कि आप उसको माफ ना करें। समझ में आया? आपने ही संकल्प ले लिया है कि मैं 7 जन्म तक इसको माफ नहीं करने वाली, यानी 7 जन्म के लिए आपने ये इस इंसान को और इस सिचुएशन को इनवाइट कर लिया है, आपका ही कहा हुआ है। तो अब हम तो सब धीरे धीरे हम और इन सब चीजों को समझेंगे, तो हम देखते हैं कि ये सारे जो भाव उठते हैं, जो कभी कभी बैठे हुए या फिर किसी ने किया है ऐसा, और उसी वक्त किस तरह के भाव उठ रहे हैं, तो दुख का, क्रोध का, गुस्सा का, निराशा, निराशा के भाव हैं, अकेलेपन का भाव है, अपराधीपन का भाव है। बहुत बार कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है तो लगता है हाँ मेरे में मेरी वजह से, तो वो भी एक अपराधीपन का भाव, शर्म का भाव और पश्चाताप का भाव, बदले का भाव। इन सबको अगर एक जगह एक लेकर आए और एक टाइटल दें, ये जितने भी तरह के होते हैं इमोशंस और भावनाएं, इनको अगर हम एक टाइटल देंगे तो क्या होगा, फियर बेस्ड इमोशन, फियर बेस्ड इमोशंस इसको कहा जाता है। और अगर हम फियर बेस्ड इमोशन में जी रहे हैं तो क्या चीज होगा, एंजाइटी, हमारे भीतर में एंजाइटी हो रही है, बात बात में हम पता भी नहीं चलता है, कभी वो इंसिडेंट को हमने इकट्ठा कर रखा था अपने अंदर, अब कोई छोटी सी भी बात हुई है, या भले ही आपको कोई ताना नहीं मार रहा, आपके साथ बुरा नहीं हुआ है, कुछ और किसी का सुन लेते हैं, या पता भी नहीं चलता है कब वो अंदर से इमोशंस बाहर उठ रहे हैं, और आपको बिन बात की भी एंजाइटी हो रही है क्योंकि आपने वो जमा कर रखा था। रात में ठीक से नींद नहीं आ रही, रात की नींद चली गई, सो नहीं पा रहे हैं, अगर किसी को लगता है कि रात में नींद नहीं होती है, मतलब एंजाइटी आ जाता है, और क्या होता है धीरे धीरे बात बात में डर लगने लगता है, या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, कब कौन सा इंसिडेंट हुआ था, लेकिन हो सकता है उसका रिजल्ट आपने जितने जो जमा कर रखे थे उसका, हो सकता है बाद में भी उसका इफेक्ट हो, डिप्रेशन में चले गए, अब इम्यून सिस्टम, जो इम्यूनिटी है वो वीक होने लगती है, और वीक होने के कारण बार बार सर्दी खांसी रहना, जुकाम रहना, एलर्जी हो जाना,
तो डायबिटीज हो जाना, थायराइड, थायराइड मोटापा, तो ये सारे लक्षण हैं कि कुछ सप्रेस्ड इमोशन है, कुछ बातें हैं, या आपने किसी को माफ नहीं किया है। तो ये सब चीजें भी हमारे साथ घटित हो सकती है हमारे, और फिर शरीर स्वस्थ नहीं है तो जीवन कैसे सुंदर। शरीर दो अलग चीज नहीं है, हमको लग रहा है हमारा मन और शरीर, लेकिन दोनों ही कनेक्टेड हैं। और मन में जैसे विचार चलेंगे, जैसी भावना होगी, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, डायरेक्ट असर पड़ेगा हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में, जिसको कि हम लोग, फिर क्या होता है, जो मन से जो बीमारी हमारे अंदर आती है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, साइकोसोमैटिक डिजीज, समझेंगे इसको हम। और तो दिन भर में कितनी बार हमको गुस्सा आता है, कितनी बार नाराजगी भी हो जाती है, और क्या होता है, और इन सब का असर हमारे ग्रंथियों में, हमारे बॉडी के सिस्टम में, हमारे सारे सेल्स, कोशिकाएं, उन सब में जाकर वो इफेक्ट पड़ता है। जो हॉर्मोन्स रिलीज होता है हमारे शरीर के अंदर, उसका भी मन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। और फिर वो हॉर्मोन जो कि कुछ अच्छा अच्छे में पॉजिटिव की जगह वो विष छोड़ना शुरू कर देता है, वो पॉइजन की तरह हमारे अंदर में वो हॉर्मोन्स बनने लगते हैं। और जो हमारे हमारे शरीर के भीतर बिलियन ट्रिलियन सेल्स, लाखों करोड़ों करोड़ों सेल्स हमारे शरीर के अंदर बनते हैं और मिटते हैं हर रोज, हर सेकंड। तो एक दिन में जैसे करोड़ों सेल्स तैयार हो रहे हैं, तो वो क्या होता है, जब हम बहुत ग्रीफ में, कंप्लेन में, सौरों में, इन सब में रहते हैं, तो क्या होता है कि वो समझ लीजिए सेल्स इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बन रहा है, मिट रहा है, नया बन रहा है। तो हर बार वो फिर क्या होता है, कहीं कहीं पर जब हम बहुत दुख में, तकलीफ में होते हैं, तो कुछ सेल इकट्ठा हो गए, वो डेड सेल वहीं रह गए, नए नहीं बने। तो वो चीज होता है हमारे साथ। और क्या है, हमारे शरीर के अंदर व्हाइट ब्लड सेल है, WBC, सब नाम सुने ही होंगे, कभी हम लोग टेस्ट वगैरह कराने जाते, कोई इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में कि WBC बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है, इस तरीके से। तो वो WBC क्या करता है, वो व्हाइट ब्लड सेल, डिफेक्टिव सेल, जो हमारे अंदर भीतर कभी कोई डिफेक्टिव सेल हो जाता है, तो वो उसको खा लेता है, मतलब मार देता है, डिस्ट्रॉय, खत्म करता है, डिसॉल्व कर देता है। लेकिन हमारे ही शरीर के भीतर में अगर WBC वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो थॉट की वजह से जो हॉर्मोन्स बन रहे हैं वो पॉइजन की तरह रिलीज हो रहा है, कुछ ना कुछ हमारे बॉडी में चेंजेस आ रहा है, WBC कम हो गया, और वो कम हो जाने की वजह से डिफेक्टिव सेल्स मिटना बंद हो गए हैं या वो बढ़ रहे हैं। और जब वो बढ़ रहे हैं डिफेक्टिव सेल, तो ऐसे में कैंसर तक की बीमारी भी हो सकती है। कैंसर को भी वो, क्योंकि इस कैंसर सेल भी अंदर है, लेकिन जब हम इन सब चीजों में रहते हैं तो वो बढ़ जाता है, और फिर कैंसर के रूप में वो हमारे शरीर में आ जाता है, बढ़ जाता है। तो जितना ज्यादा मन में गुस्सा, चिंता, परेशानियां, नाराजगी हमारे अंदर रहेगी, तो डिफेक्टिव सेल को हम बढ़ावा दे रहे हैं और शरीर में बीमारियां आना शुरू हो जाएगी, अलग अलग तरह की किसी भी तरह की बीमारी आना शुरू हो जाएगी। और स्ट्रेस के कारण, गुस्सा के कारण, माफ नहीं करने के कारण, और सुने क्या क्या होता है, माफी नहीं अगर देते हैं तो क्या होगा। अब मसल्स पेन, अगर कहीं पे भी मसल्स पेन है बॉडी में, तो उसका कारण भी है बता रहे हैं। और मसल्स पेन है, बॉडी पेन है, जॉइंट पेन, घुटनों का दर्द है। अच्छा, किसको माफ नहीं किया, चेक करें अपने आप को, सोचें, घुटनों में दर्द है तो कुछ माफ नहीं किया, या कोई बहुत बात का बोझ उठाकर चल रहे हैं। और डिप्रेशन है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, दिल में किसी के लिए बहुत कड़वाहट है, शिकायत है, कंप्लेन है, दुख है, तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। ब्लड प्रेशर हाई हो गया, अप डाउन का प्रॉब्लम भी। और एस्थमा, क्योंकि बात को इतना अंदर रख रखे हैं, ठीक से सांसें भी नहीं ले पा रहे हैं, फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम, या फिर एस्थमा का प्रॉब्लम भी
इसकी वजह से, और मोटापा भी, और समय से पहले बुढ़ापा आ जाना, ये सब, माइग्रेन हो जाना, इंसोम्निया जो रात में नींद नहीं आती है, फ्रोजन शोल्डर कंधे में दर्द, कितना बोझ उठा रखे हैं बातों का, यादों का, लोगों का। तो फ्रोजन शोल्डर कंधे में दर्द, ये सारे प्रॉब्लम है का जड़ है। रूट कॉज क्या है? फियर बेस्ड इमोशन, और फॉरगिवनेस नहीं दे रहे हैं, बातों को ढोकर चल रहे हैं, माफी मांगना और देना नहीं कर रहे हैं। तो उसको साइकोसोमेटिक डिजीज भी कहते हैं, जो हमारे मानसिक मनस के द्वारा आया है। थॉमेसिटा नाम के साइंटिस्ट हैं, कभी भी आप लोग सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब में, कुछ थॉमेसिटा नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्रूफ किया है, जिन्होंने ये मेडिकली भी प्रूफ है, और साइंटिस्ट ने, उन्होंने प्रूफ किया है कि क्रोध के कारण, गुस्सा के कारण, बदला लेने की भावना के कारण, और ये सब जो नाराजगी और सैडनेस में रहते हैं, तो इसका मतलब कि, और हम माफ नहीं कर रहे हैं, तो कैंसर तक की बीमारी उन लोगों को जल्दी आ सकती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अब जैसे बहुत बार होता है, पति पत्नी के झगड़े हो रहे हैं, बहुत डिवोर्स तक की बात हो गई या हो गया डिवोर्स, और वाइफ बहुत सैडनेस में है, सप्रेस में है, ऐसे लोगों को फिर क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर फिर उसका शिकार हो सकती है, क्योंकि ये सब बहुत सारे रिसर्च के द्वारा पता लगाया गया कि हाँ ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर जिसको हुआ तो क्यों, क्योंकि बहुत सारी बातें थी, माफ नहीं किया, तो इस तरीके से भी हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना माफ करना और बातों को लेट गो करना। और हम समझेंगे, एक स्टोरी है, एक राम और श्याम दो दोस्त रहते थे, बहुत बेस्ट फ्रेंड, रोज का उठना बैठना मिलना, बहुत 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 घनिष्ठ दोस्ती थी उन दोनों में। तो दोनों एक बार किसी रेस्टोरेंट में बैठे थे, और दोनों में कुछ बातें होते होते कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया, और आर्ग्यूमेंट होते होते बात वहां तक पहुंच गई कि राम ने श्याम को एक थप्पड़ लगा दी, उसने उस पर हाथ उठा दिया, और फिर क्या हुआ, अब क्योंकि गलती दोनों की कुछ ना कुछ रही होगी, उसने भी कुछ ऐसी बात कही कि उसने एक ताव में आकर उसने थप्पड़ लगा दिया, और अब उसी दिन से उन दोनों की दोस्ती तो खत्म, दोनों आपस में कभी नहीं मिले। और अब कुछ दिन के बाद राम की दूसरी जगह, दूसरे ही किसी कंट्री में वो शिफ्ट हो गया, उस शहर में भी नहीं, उस देश में भी नहीं, वो किसी अलग ही देश में चला गया, उसको वहां पर जॉब मिल गई और वो वहां चला गया। अब तो ऐसे भी कभी नहीं मिलने वाले दोनों। लेकिन शाम क्या हुआ, शाम अगर कहीं उस गली से जाए, उस रास्ते से जाए, अगर किसी ने उसको राम राम भी कह दिया, तो भी क्या है, तुरंत से उसको राम के नाम से ही वो बात याद आ जाती है, और वो तुरंत दुखी हो जाता है। उस रेस्टोरेंट के पास से गुजरे तो उसको वो बात याद आ जाती है। ऐसे भी दिन भर, और कई लोगों को बता बता कर, और दूसरे दोस्तों को बताकर, फैमिली में बताकर, रिलेटिव्स में बताके, वो रोज उस बात को याद कर रहा है, और रोज ही वो थपेड़े खा रहा है, क्योंकि जितनी बार उस बात को वो बोल रहा है, वो उस इंसिडेंट को जी रहा है, और वो रोज थप्पड़ खा रहा है, अपने आप रिपीट करके उस बात को बोल बोल कर और याद कर करके। तो ऐसा क्या होता है, बहुत बार होता है ना, सास बहू के भी झगड़े, या कुछ भी, किसी ने सास ने कुछ कह दिया, और वो क्या होता है, अपने मायके में सबको बता रहे हैं, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में बता रहे हैं, हस्बैंड को बता रहे, सबको बार 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 हुआ, एक बार इंसिडेंट, लेकिन कहा कितनी बार, 50 बार, सबको, जितनी बार आप बोलते जा रहे हैं, आप रिपीट करते जा रहे हो, उस इंसिडेंट को आप जीते जा रहे हैं, जितना अपने जिसको आप बता रहे हैं, और जितनी बार आप याद कर रहे हैं, तो उस इंसिडेंट को आप हर दिन जी रहे हैं, और दिन में कितनी बार। तो अब हुआ क्या, अब एक बार एक कहा किसी ने कि मैं तो अपनी सास को कभी नहीं माफ करने वाली, उसने मेरा इस तरीके से एक बार इंसल्ट किया था, और मुझे ऐसे से कहा था,
तो कहा, तो पूछा सामने वाले ने कि तब की बात है ये? तो बोले जब मेरी शादी हुई थी आज से 10 साल पहले उसने ऐसा किया था, उसने मुझसे ऐसी बात कही थी। तो 10 साल पहले हुआ वो इंसिडेंट को आज भी याद करके दूसरों को बताकर उसको जी रहे हैं, और साथ में क्या कर रहे हैं, 10 साल से वो इमोशंस को बढ़ाते जा रहे हैं और उसको खत्म नहीं किए, लेट गो नहीं किए। तो ऐसा होता है, बहुत से लोग करते हैं। पहले थे मेरी भी जैसे कुछ फ्रेंड्स थी, अब तो ठीक है मैं ध्यान में हूँ और सारे स्पिरिचुअल फ्रेंड्स हैं, लेकिन कभी कभी होता था कि कोई एक फ्रेंड थी, जब भी फोन करेगी तो वो यही है, कंप्लेन कंप्लेन, कभी सास को लेकर, कभी हस्बैंड को लेके, कभी कौन कौन सी पुरानी बातें। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मैं उससे बात करना बंद कर दी, क्योंकि वो सिर्फ, क्योंकि समझाने से भी नहीं समझने वाले वैसे लोग, आप समझाओगे तो भी आप ही गलत। तो फिर उसको, तो इस तरीके से बहुत से लोग बोलते हैं रोज, कितनी बार उन सब बातों को दोहराते हैं और कितने जने को बोलते होंगे। तो ईश्वर ने, भगवान ने हमको एक बड़ी अच्छी चीज दी है, मेमोरी बैग। हमारा एक मेमोरी बैग है माइंड में, तो हम उसमें क्या जमा करें, अच्छी अच्छी बातें, अच्छी काम की बातें, अच्छी यादें, उन सबको रखने के लिए। लेकिन होता क्या है, होता क्या है, हमारा ब्रेन माइंड गेम खेलता रहता है, उसको मेमोरी बैग में वो जाता है और उस इंसिडेंट को वो रिप्ले करता रहता है, बार बार रिप्ले रिप्ले रिप्ले, उस चीज को फिर से रिवाइंड, और फिर से वही सारी सीन आपके सामने प्ले हो जाएगा। तो हमारे शरीर के साथ अगर माइंड खेल खेल रहा है, गेम खेल रहा है, तो माइंड को भी कैसे शांत करेंगे हम, कैसे उस पर माइंड को पे अपना उसको अपना गुलाम, उसको नौकर बना के रखेंगे, ना कि उसको हावी होने देंगे। तो जितना हम उसको निगेटिव जितना हम सोचेंगे और उसको सोचते रह जाएंगे, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, हम उसको फूड दे रहे हैं और वो ग्रो करता रहेगा। तो इस तरह हमारा, तो उन सब बातों को अगर हम डिलीट ना करें, लेट गो ना करें, माफ ना करें, तो वो हमेशा के लिए हमारे लिए बना रहेगा। आज मोबाइल फोन में हम क्या करते हैं, हम फोन में तो बहुत जो अनवांटेड चीज को डिलीट करते हैं कि नहीं, इरेज करते हैं ना अपने फोन को, बहुत हम क्लियर, बहुत अच्छे से साफ रखते हैं कि बहुत अनवांटेड मैसेजेस आ गए हैं, मेरा फोन भर गया है, डिलीट करो, इन सब प्रोग्राम को हटाओ, नहीं जो काम है। तो वैसे ही अपने इस मेमोरी बैग को भी क्लीन करना होगा, जो नहीं जरूरत है, या उसको याद करके हम और उसको बढ़ावा दे रहे हैं, या और गार्बेज इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसको भी डिलीट इरेज करना पड़ेगा, उन सब फाइल्स को, उन सब डेटा को। तो तब जाकर और क्या करें, कैसे बचें हम इन सब चीजों से, कैसे अपने माइंड पे हम कंट्रोल करें, कैसे हम उन यादों से छुटकारा पाएं, तो क्या करना पड़ेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा अगर हम ध्यान करें, और सही ध्यान और सही ज्ञान के साथ जितना हम मेडिटेशन करें, बुक्स रीडिंग करें, तो हमको वो शक्ति मिलती है इन सब चीजों को सहन करने के लिए। और साथ ही साथ पता चलता है कि ये क्या और क्यों हो रहा है मेरे साथ, मेरे जीवन में। तो जितना हम ध्यान करते हैं, तो हमारा वो जो माइंड पे हमारा कंट्रोल होना शुरू होता है, वो मंकी माइंड शांत होगा, वो विचारों के उथल पुथल वो शांत होंगे। बुक्स रीडिंग करेंगे तो सही ज्ञान मिलेगा, अगर हम ये सब किताबें पढ़ें, सोल्स प्लान, सोल्स जर्नी, एक आत्मा की यात्रा है, और सोल्स प्लान आप पढ़ेंगे, बहुत सारे क्लैरिटी आएगी, क्यों होता है, क्यों मेरे जीवन में ये सब लोग आ रखे हैं, चलो हम यहाँ पे भी थोड़ा समझेंगे। तो सही ध्यान और ज्ञान के साथ हमको वो शक्ति मिलती है कि हम इन सब चीजों को समझें और हम आगे टॉलरेट कर सकें। तो हमें अगर किसी ने अपमानित किया है, दुख दर्द दिया है, तो उनके लिए हमारे दिल में, दिमाग में निगेटिव इम्प्रेशन हम बना लेते हैं, और उसके वजह से हमें और ज्यादा सफरिंग फेस करना पड़ता है, क्योंकि हम वो निगेटिव छाप बना हुआ है, हम समझ गए कि वो जितना हम उसको सोच रहे हैं, तो उतना ही और सफरिंग हमारे लाइफ में आते जा रहा है, आते जा रहा है। और अब हम जानते हैं, जब हम ध्यानी हैं, रोज हम ध्यान में मिल रहे हैं,
अलग अलग मास्टर्स को भी सुनते हैं और ये लाइन को जानते कि यद भावम तद भवती, यानी जैसी हमारी भावनाएं हैं और तो वैसा ही हमारा फ्यूचर होगा, जैसा हम सोच विचार डालते हैं वो ही हमको मिलता है आगे के लाइफ में। तो अगर हमारी भावनाएं अगर गुस्से का है, नाराजगी का है, तकलीफ में रहते हैं तो हमारे सामने बार बार वैसे ही सिचुएशन आकर खड़े हो जाते हैं, वैसे ही सिचुएशन को हम अट्रैक्ट करते रहते हैं क्योंकि विचारों में वही चीजें चल रही है तो वही चीज हमको फ्यूचर में भी परोसा जाएगा, वही आकर हमको मिलने वाला है। अब जैसे कभी किसी ने कहा ना कि मैं बदला लूंगी, इससे तो ये जो मेरी सास ने या पति ने ऐसा किया अब मौका आने दो, अब की फिर से ऐसा होगा तब मैं अच्छे से जवाब दूंगी और बदला लूंगी। अगर ऐसा सोच लिया है कि फ्यूचर में वेट करने वाले हैं कि ऐसा इंसिडेंट हो, यानी आप वेट कर रहे हैं, आप सोचते हैं कि फिर से ऐसा कुछ हो और सब लोग हो इकट्ठा तो मैं जवाब दूंगी, यानी आपने अपने थॉट की एनर्जी डाल दी है, आपने अपने मन में वो संकल्प ले लिया, आप चाहते हैं कि वो इंसिडेंट हो और आप फिर जवाब दें, तो ऐसा अगर सोचते करते हैं तो उसको अभी क्या भी डिलीट और इरेज करें क्योंकि वो इनवाइट कर रहे हैं और वो सिचुएशन आपके सामने आके खड़ा होएगा ही होएगा। तो यद भावम तद भवती, इनसे मुक्त होने के लिए, इन सब चीजों से मुक्त होने के लिए हमको क्षमा करना चाहिए, हमको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना ही चाहिए। हमारे मेंटल बॉडी, हमारे जैसे 7 बॉडीज है ना, फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, मेंटल बॉडी, इस तरीके से कॉस्मिक बॉडी, निर्वाणिक बॉडी, तो वैसे ही मेंटल बॉडी माने मनस शरीर। मनस शरीर में हमारे सारे वो जितने हैं इमोशंस, जो हमारे एंगर के, जेलसी के या निगेटिव इमोशंस, सारे सब कुछ स्टोर है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों, लेकिन आपका कौन सा हावी है, कौन सा ज्यादा है, तो वो सारे निगेटिव इमोशंस हमारे मेंटल बॉडी में वो सब स्टोर हैं और वो हमारे फिजिकल बॉडी को इफेक्ट करता रहता है। फिर यहाँ दर्द, वहां दर्द, ये तकलीफ, आज सर दर्द, आज माइग्रेन, आज सो नहीं पा रहे, आज मसल पेन है, आज ज्वाइंट पेन है, तो चेक करें अपने आप को कहाँ कौन सा बोझ लेके चल रहे हैं। लुई है, मैं किताब नहीं रखी मैं, ठीक है मैं ग्रुप में बाद में पिक्चर भी सेंड करूंगी। लुई है जो एक ऑथर है, जो बहुत अच्छी इंसान भी थी, अब वो बॉडी में नहीं है, उन्होंने एक किताब लिखी है, यू कैन हील योर लाइफ, और सबसे बेस्ट सेलर बुक है पूरे वर्ल्ड में, ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में, सब में है, अदर लैंग्वेजेस में भी है, और अगर आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, अमेजन में मिल जाएगा या कोई भी ऑनलाइन, तो यू कैन हील योर लाइफ, अगर कि रितु जी कह रही हैं कि वो पढ़ी हैं और इट्स फैंटास्टिक, तो जो नहीं पढ़े हैं वो जरूर पढ़िए इस बुक को। अब मैं उनके लुई है ने उन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा कि शरीर में कहीं ना कहीं जो भी कुछ बीमारी आ जाती है तो आपको क्या करना होगा, कुछ बीमारी आ गई तो आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करिए, माफी देना और मांगना करिए, तो नहीं तो और कुछ नहीं तो अपने आप को भी माफी मांगिए और दीजिए, खुद को भी क्षमा करिए, और हम समझेंगे इसको, क्योंकि हम क्या करते हैं अपने आप को भी कितनी बार कोसने लगते अपने, अच्छा दर्द ही मान लो तो मेरे शरीर ऐसा है, मैं मोटी हूं, मैं काली हूं, मेरे ये अच्छा नहीं है, किसी भी रूप में अपने शरीर को भी हम ऐसा कहते हैं तो भी हम फिर उसके कारण भी भले दूसरे से अगर कोई शिकायत नहीं तो अपने शरीर से भी चेक करें कि उससे तो शिकायत नहीं करते हैं। तो लुई है ने बहुत अच्छी तरीके, जैसे कि वो खुद एक बहुत अच्छी इंसान तो थी ही, लेकिन और कितने लोगों का वो उपचार करती थी, उनका पूरा ब्यूरो, उनका पूरा सेंटर खुला हुआ था एक, और काफी लोगों का वो मदद करती थी इसी चीज से, जो लोग डिप्रेशन में है या सप्रेस्ड है या इन सब, तो सब कितने लोगों की वो तकलीफ दूर किया करती थी, लेकिन एक समय के बाद, एक उम्र के बाद उनको भी कैंसर डिटेक्ट हो गया, कैंसर हुआ, क्यों? जो दिन रात दूसरों की सेवा करती है मेन इसी चीजों के लिए, जो तकलीफ में है, दर्द में है, डिप्रेशन में है, वैसी लेडी को कैंसर क्यों हुआ? अब उनको इसलिए कैंसर हुआ क्योंकि
उनका बचपन अच्छा नहीं बीता था। जब उनको उनके बचपन में बहुत तरह की सफरिंग से वो क्रॉस करी थी, क्योंकि उनकी मदर थी जो कि दूसरी शादी कर ली थी, जो स्टेप फादर था वो भी उसको सेक्सुअली अब्यूज करता था, और उसके जीवन में वो जब घर छोड़ के चली गई और थोड़ी बड़ी होती गई थी तो बहुत लोगों ने कुछ लोगों ने उनको सेक्सुअली अब्यूज किया, और जीवन में बहुत तकलीफ पाते पाते फिर एक टाइम आया था कि वो इन सब संस्था से जुड़ी और अपना खुद का वो खोलकर वो सेंटर खोल के कितने लोगों की वो हेल्प करती थी। लेकिन वो उनके बचपन की बात थी, बहुत पुरानी बात थी। अब उन्होंने सोचा मुझे क्यों हो गया कैंसर, तब उन्होंने बैठकर जब ध्यान किया और अपने आप को चेक किया तो समझा कि उन सब इंसिडेंट और उन सब लोगों को उन्होंने माफ नहीं किया है जो उनके लाइफ में जो इतना सफरिंग जो दिए थे, जो सेक्सुअली अब्यूज किए थे, उन लोगों को उन्होंने फॉरगिवनेस नहीं किया है। और फिर वो क्या करने लगी, वो रोज उसी समय से उन सब लोगों को वो माफी देने लगी, रोज का रोज फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने लगी। और तब रिजल्ट क्या हुआ, सुबह शाम दोनों टाइम वो फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड साथ ही साथ थैंक्सगिविंग भी करती थी। तो रोज ऐसे प्रैक्टिस करने से ही कुछ ही महीनों में, कुछ ही मंथ में उनका कैंसर हील हो गया, जो कि डिटेक्ट जब हुआ था तो वो थर्ड स्टेज में था, उनका कैंसर तीसरे स्टेज में था। और वो रोज फिर फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करके अपने आप को जब वो जानी कि हाँ बचपन के उन सब इंसिडेंट और उन सब लोगों को उन्होंने माफ नहीं किया है, इसकी वजह से कैंसर आ गया है, तो उन्होंने अपने आप को ठीक किया कुछ ही महीनों में ये फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करके, और वो क्योर हो गई। तो फॉरगिवनेस बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। अब वही कि इंसल्ट है, हर्ट है, पेन है, एंगर है, सफरिंग है, दिलाने वाले लोग हमारे जीवन में क्यों आ रहे हैं, अब थोड़ा हम इसको समझें। ठीक है, हम जान गए ये चीजें हो सकती है अगर हम माफ ना करें, तो अब है कि क्यों, अब कैसे क्यों आ जाते हैं ये लोग और क्यों ऐसा हो जाता है। हमने तो हम सोच लगेगा कि अगर हम सोल प्लानिंग भी किए थे, समझते हैं हम सोल प्लानिंग के बारे में भी, तो हमारे जीवन में क्यों आ रहे हैं समझ में नहीं आता, जब तक हम अगर इस तरह ध्यान और ज्ञान में ना हो। तब अब क्या है, अगर मान लीजिए कहते हैं कि आप एक बुक उठाते हो, क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है, तो अगर हम एक बुक उठाते हैं और इसके बीच के पन्ने से, पहली बार हमने एक बुक लिया है, मिडिल पेज से हम उसको पढ़ना शुरू करेंगे, तो क्या वो समझ में आएगा हमको, वो हमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमको शुरुआत के स्टार्टिंग पन्ने से उसको पढ़ना पड़ेगा, तब हमको वो चीज वो उसमें क्या है समझ में आएगा। तो ठीक हमारा ये जो प्रेजेंट लाइफ है, जो हमारा ये प्रेजेंट जीवन है, वो भी हमारा हमारी किताब का मिडिल पेज है। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे, क्योंकि बहुत सारे पास्ट लाइफ के जो हमारे कर्मा हैं, बहुत सारी पास्ट लाइफ की जो बातें हैं उनके कारण हो रहा है, और इस लाइफ में भी हम अपने बचपन से क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, या क्या कौन से बिलीफ सिस्टम में जी रहे हैं, तो इन सब के वजह से भी हमारे लाइफ में ऐसा होता है। और अगर कोई हमें दुख दर्द देने वाले लोग आते हैं हमारे जीवन में, तो उसका तीन कारण हम समझेंगे, थ्री रीजन क्या है, क्या हो सकता है। पहला कि वो पहला कारण समझ लीजिए कि कर्म बंधन, कार्मिक अकाउंट को क्लियर करने के लिए, क्यों ऐसे लोग हमारे जीवन में आ रहे हैं जो हमको दुख तकलीफ देते हैं और जिसकी वजह से हमारे लाइफ में सफरिंग है। तो पहला रीजन कि वो हमारे कुछ कार्मिक अकाउंट है, कर्म संबंधित है, जो कि वो रिलीज करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए हो रहा है। सेकंड है कि जीवन में हमें वो कुछ सिखाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि कुछ भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो हम उससे अपने लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, इसको हम और डिटेल में समझेंगे। और तीसरा क्या है, तीसरा किस कारण से हो रहा है ये लोग क्यों आते, पेशेंस एंड टॉलरेंस जीवन में हमको सिखाने के लिए आते हैं।
सहन शक्ति हमारे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम ये जो सोल है, ये जो शरीर लेकर हम पृथ्वी में आ रहे हैं, हम बहुत सारे लेसन सीखने आ रहे हैं और हम इसको सीख सीख के अपने आप को इवॉल्व करते हैं, अपने खुद के सोल को। तो अब हुआ क्या, अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों? अब एक लेडी थी, उसके दो बेटे, रियल ये है जो बात कि उसके दो बेटे थे हैं, और हस्बैंड की डेथ हो गई जल्दी ही। तो उसने क्या किया, वो लेडी काम करती थी, खुद मेहनत करती थी और तीनों को पाल रही थी, अपने दोनों बच्चों को और खुद का भी, तीन जनी का वो पेट पाल रही है। बड़ा बच्चा ठीक है, वो तो पढ़ लिख करके वो अपना कुछ काम कर लिया, जॉब कर लिया और ठीक है। और दूसरा जो बेटा है, छोटा बेटा, वो क्लास 10 तक था, ठीक था, लेकिन अब वो कॉलेज चला गया। अब कॉलेज चला गया, उसकी इच्छाएं बढ़ने लगी, वो अपनी मदर से पैसे मांगने लगा और पैसे के लिए तंग करने लगा, और फिर अब माँ के पास भी बहुत पैसे नहीं है क्योंकि वो पाल रही है, तो इस तरीके से वो अपनी माँ से लड़ने लगा। और एक दिन तो ऐसा आ गया कि उसने अपनी माँ को थप्पड़ मार दिया। माँ बहुत पहले ही उदास थी, परेशान थी, अब वो ऐसा हो गया कि अब उसको जीने का शौक नहीं है, अब उसको बिल्कुल वो जीना नहीं चाहती है। तो ऐसे में वो अपनी बहन को फोन करती है, सिस्टर को कॉल करके कहती है कि अब मैं और नहीं जी सकती, मैं सुसाइड कर लूंगी, अब मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। ऐसा उसके मन में विचार आया। यहाँ पर एक लाइन मैं बोलूंगी आत्महत्या के लिए, क्योंकि कभी भी किसी के अगर मन में आता है विचार ऐसा कि मैं आत्महत्या कर लूं, तो ऐसा विचार किस कभी भी की लाइफ में बहुत सफरिंग है, तो उसको भी तुरंत के तुरंत अभी के अभी डिलीट करें। क्योंकि अगर आत्महत्या करते हैं तो हमारा जो हम जन्म लेके अपने सोल को इवॉल्व करते जा रहे हैं, हम बढ़ते जा रहे हैं अपने आगे। मान लीजिए हमने आज हमारा ये समझ लीजिए 100वां जन्म है, तब जाकर हम इतने अच्छे से सब कुछ फैसिलिटी मिली है, सब कुछ हम ध्यान में है, सब कुछ अच्छा है। ये हमारा 100 बर्थ है। अब क्या होगा अगर जो आत्महत्या कर लेता है किसी सिचुएशन में आकर, तो वो ठीक पूरा 50 जन्म पीछे चला जाएगा अपने जितना, या फिर ठीक है किसी का 50वां ही है बर्थ है, तो वो क्या हो गया, वो पहली बार जब मनुष्य जीवन में आया था या उससे भी पहले एनिमल किंगडम में, उसमें चला जाएगा 50 जन्म पीछे चला जाएगा। मतलब आपको, आप क्लास 10 में थे तो वापस आपको 1 में डाल दिया गया, सोचिए वो चीज। अब आपको अगर 10 से 1 में आए हैं तो आपको वापस 1 की पढ़ाई, 2 की पढ़ाई, 10, इस तरह आप 10 तक पहुंचेंगे। तो वैसे ही ठीक आपको सारे सफरिंग और भी ज्यादा दुख दर्द तकलीफ आपको नए जन्म में मिलेगा, और वो सारे सफरिंग, वो सारे इंसिडेंट को आप झेलते हुए, ये जो सिचुएशन से आपने सुसाइड किया था, ये सिचुएशन फिर आएगा और इसको पास होकर आप आगे बढ़ेंगे, तब आप 11 में जाएंगे, यानी तब आपको आगे। तो इसलिए सुसाइड अगर करने का सोचते हैं तो बाद की लाइफ तो और भी बद से बदतर, और फिर ये इंसिडेंट, फिर ये सिचुएशन आएगा जिसको आपको हैंडल करके इस परीक्षा में पास होकर के आप आगे जाएंगे। तो ये तो है सुसाइड वाली बात। अभी हम समझे कि फिर उसने अपने बहन को कहा, मैं तो सुसाइड करने वाली हूँ, मैं नहीं जी सकती। और तो उसकी बहन वो थी थोड़ी बहुत, वो ध्यान में थी, कुछ हमारे पिरामिड मास्टर को वो कॉल करती है और उनको बताती है सारी बातें, और उस मास्टर ने उस लेडी को फिर ध्यान सिखाया, उसको बोला ध्यान करो और साथ ही साथ रोज आज से कम 15 दिन तुमको रोज फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना होगा। जिस बेटे से तुम दुखी हो, जिस बेटे ने तुमको तकलीफ दिया है, उससे तुम रोज के रोज माफी मांगो, सुबह शाम ये प्रैक्टिस करो, माफी मांगो और साथ ही साथ ग्रेटिट्यूड भी करो, थैंक्स गिविंग भी करो। तो उस लेडी ने 15 दिन ही हुए थे और उसने रोज सुबह शाम कुछ देर ध्यान में बैठकर वो अपने बेटे को से माफी मांगती थी और साथ ही साथ धन्यवाद भी करती थी। अब ऐसा होते होते 15 दिन के बाद का रिजल्ट क्या हुआ, बेटा बिल्कुल ठीक हो गया, सुधर गया और दोनों के रिश्ते ठीक हो गए, अच्छे हो गए। फिर मास्टर ने कहा कि और इसको रिपीट करो और 15 डेज रिपीट करो।
कि जहां पे ठीक हुआ वहीं छोड़ना नहीं है और इस तरह प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखो। तो ऐसे माफी लगता है ना कि अरे हम उससे कैसे माफी मांगे, या उससे जो मेरे को तकलीफ दे रहा हम उसी से माफी मांगे, ऐसा थॉट आता है तो इसको हटा दीजिए और हम समझे सोल के लेवल में। तो माफी मांगने से कर्म संबंध जो है, कार्मिक अकाउंट है, वो खत्म हो जाता है, क्योंकि किस लाइफ का किस कारण से उसके बेटे ने उसको परेशान किया और थप्पड़ लगाया, पता नहीं कौन से जन्म का कुछ था। तो कभी हम जब केफ और कर्मा पे बात करेंगे तो हम और भी समझेंगे स्टोरी के बेसिस में कि कर्मा कैसे हमारे जीवन में आता और कैसे। तो अभी हम समझ रहे हैं माफी के इम्पोर्टेंस को। तो इन सब एक्सपीरियंस से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। सेकंड क्या था? पहला तो था कि कार्मिक अकाउंट के कारण आता है, सेकंड हम कुछ ना कुछ कुछ भी इंसिडेंट होता है तो हम उससे कुछ सीखते हैं, और तीसरा जो पेशेंस लेवल टॉलरेंस के लेवल को सिखाने के लिए आता है। तो क्या हुआ कि अब हम खुद कुछ इस तरह के सोल को, इस तरह के लोगों को चूज करके आते हैं पृथ्वी पर सोल प्लानिंग के द्वारा, कि वो हमको, ये लोग हमको मेरी इस लाइफ में, इस सोल की जर्नी में मुझे पेशेंस एंड टॉलरेंस सिखा दे। अब कैसे हम ये सब कुछ प्लान करके आते हैं, जो भी हमारे, जितने भी हमारे जीवन में लोग जुड़े हुए हैं, फैमिली मेंबर है, फ्रेंड्स है, या कोई भी, तो हम सब चूज करके आए हैं, हम आकर भूल जाते हैं। अब हुआ क्या कि हमने तो ऊपर, हम यहाँ जीवन लिए, अपना जीवन सब कुछ हो करके हम वापस शरीर छोड़कर जब चले जाते हैं वापस स्पिरिट वर्ल्ड में, अब क्या होता है, हमको फिर लगता है कि हमने कुछ लेसन अभी हमारा सीखना बाकी है, हमने यहाँ पर इस चीज की पढ़ाई नहीं करी थी, हमको, हमने माफ करना नहीं सीखा था, या फिर मैं तुरंत ही किसी बात पे, मेरा टॉलरेंस, सहन शक्ति नहीं था, तो ये लेसन मुझे सीखने जाना है, मुझे सहन शक्ति सीखने जाना है, मुझे माफ करने सीखने जाना है। अब वो अपने फ्रेंड और जो स्पिरिट वर्ल्ड में जो और उसके फ्रेंड्स हैं, तो फिर क्या होता है, वो फ्रेंड्स को बताते हैं कि ऐसे ऐसे अब मेरे को वापस पृथ्वी पर जाना है ये लेसन सीखने के लिए। तब क्या हुआ कि ठीक है, उस फ्रेंड ने आपको कहा, जो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, वो आपको ये कहता है कि ठीक है, तो पृथ्वी पे जा रहे हो तुम, मैं तुम्हारे मैं भी पृथ्वी पर आऊंगा या आऊंगी तुम्हारा सास बनकर, ससुर बनकर, या पति बनकर, हस्बैंड बनकर, या कोई तुम्हारा ऐसा कोई चाहे बिजनेस पार्टनर ही है या कुछ ऐसा कोई एक लोग बनकर आऊंगा, जो मैं तुमको पेशेंस लेवल सिखा दूंगा। मोस्टली आते हैं फैमिली मेंबर बनकर, हस्बैंड वाइफ होते हैं, सास ससुर होते हैं, या भाई बहन होते, किस भी, तो मोस्टली होते हैं फैमिली मेंबर बनकर आते हैं। तो तभी क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं कि मैं तुम्हारे लाइफ में आ करके मैं तुमको पेशेंस लेवल सिखा दूंगा, और फिर यहाँ आकर हम भूल जाते हैं, यहाँ आकर हम सब भूल गए, लेकिन और सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो हमारा ये प्लानिंग है कि हमको सीखना है, इवॉल्व होना है, आगे बढ़ना है। तो जब ये सारी बातें समझ में आने लगती है तो हमारी सहन शक्ति भी बढ़ने लगती है। अब क्योंकि हमारा कुछ पार्ट रह गया, हम स्कूल जाते हैं, हम सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, हर तरह के, तो वैसे ही यहाँ पर अच्छा बुरा सब कुछ सीखने आते हैं, और वो ही जो कि हमको आज लगता है इस जीवन में कि मेरा दुश्मन है, इसके कारण मेरे लाइफ में सफरिंग है, तो जान जाए कि स्पिरिट वर्ल्ड में वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपको कुछ सिखाने के लिए वो ऐसा रोल चूज करके आया है, वो बुरा बनकर आ रहा है आपके लाइफ में ताकि आप कुछ अच्छा सीखें, आप कुछ एक्सपीरियंस लें, आप में सहन शक्ति बढ़े, आप अपने सोल को इवॉल्व करें। तो ग्रैटिट्यूड करेंगे ना उसको, तो जब ये बात समझ में आएगी तो हम उसको मन ही मन, उन लोगों को, उन इंसिडेंट को याद करके शुक्रिया करें। अभी लगे कि हम इस, ये था मेरे लाइफ में सफरिंग जिसके वजह से हम ध्यान, नहीं है कि ध्यान में जो जुड़ते हैं उनके लाइफ में सफरिंग इसलिए जुड़े, लेकिन अभी तक हमारे, आप जब अपना आराम से सोचें या फिर इस आज के ध्यान में कि हाँ, इस लोग ने मुझे अगर
तकलीफ या कुछ ऐसा दिया है, सफरिंग मेरे लाइफ में आई है, तो आपने क्या सीखा उससे, आप कितने इवॉल्व हुए, आपके लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया। अगर ये इंसिडेंट नहीं होता तो आज आप वहीं के वहीं होते, जैसे जिंदगी जी रहे थे वैसे ही जी रहे होते। और जब जब ऐसा हुआ तो आपने अपने आप को चेंज किया, चाहे आप धोखा खाए, चाहे आपको बहुत तकलीफ मिली थी, चाहे पार्टनर ने चीट किया था, या कुछ ऐसा आपसे गलती हो गई, आपसे भी कुछ गलती हो गई थी, तो अब आपको पछतावा हुआ और आपने उस के वजह से आपके आपने जीवन में बहुत कुछ सीखा और आगे बढ़े। तो इसलिए तो उन लोगों को कोसने की जगह ग्रैटिट्यूड करना शुरू करें। और जब हम किसी को जब हम ये सब चीजें समझ पाते हैं, तब जाकर हम किसी को इजीली क्षमा कर पाएंगे, तब लगेगा कि हाँ हम माफी मांग पाते हैं या दे पाते हैं। अब और अगर कुछ लोग सोचते हैं कि हम दूसरों को माफ करके माफी दे देंगे तो हम तो बहुत एहसान कर रहे हैं उस पर। अगर लगता है कि हम किसी को माफी देकर हम उस पर एहसान कर रहे हैं, भाई हम तो हो गए बहुत ही महान, दूसरों को माफी दे करके हम एहसान कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं, थैंक यू जो आप लोग इसको समझ पा रहे, सुन पा रहे हैं और इस चीज को सुपर्व कह पा रहे हैं, तो थैंक यू। तो ऐसा ही है, बिल्कुल ये सच है। जब हम जितना हमें इन सब चीजों को तब जाके हम बढ़ पाएंगे, और हम सोचते हैं कि हम तो एहसान कर रहे हैं इस पर माफी दे करके, तो यहाँ पर करेक्ट कर लें अपने आप को, आप एहसान नहीं कर रहे हैं उस पर, नहीं, आप एहसान कर रहे हैं अपने आप पर। क्योंकि हम किसी को माफ नहीं कर रहे हैं, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी लाइफ जैसे जी रहा है वैसे ही जीता रहेगा, उसको कोई तकलीफ नहीं है, वो नहीं रो रहा है कमरे बंद कर कर, वो नहीं उदास हो रहा है, आप हो रहे हैं। तो जब आपने माफी दिया है आप उसको, तो आप अपने आप को रिलीज कर रहे हैं उस बंधन से, उन यादों से, तो जरूर तो क्या हुआ, आप माफी मांग के कौन कौन ठीक हो रहा है, किसको किसका फायदा हो रहा है, आपका खुद का। आपके लिए वो बात बहुत बड़ी थी, उस सामने वाले ने जिसने कहा या किया उसके लिए वो बड़ी बात नहीं थी, या फिर उसका स्टेट ऑफ माइंड वैसा था कि उसने आपसे आपके साथ ये किया, वो खुद पीड़ित था, वो खुद ग्रसित था, तो उसने ऐसा किया। तो लेकिन हम जब किसी को माफी देते हैं तो अपने आप को उन सब कैद से हम अपने आप को आजाद कर लेते हैं। और जितना कि अगर और अगर हम हस्बैंड सास ससुर इन सब चीज लोगों से हम कंप्लेन और ये सब में रहते हैं, तो हम फिर से एक नया कार्मिक रिलेशन अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, और एक नया क्रिएट कर लिए, फिर नेक्स्ट लाइफ में उसको लेकर आओ और फिर चेलो। तो यहाँ पर कार्मिक रिलेशन अकाउंट क्रिएट हो गया, तो यहाँ कुछ नहीं, क्लास 10 में है फेल हो गए, तो अब वही जैसे मैंने कहा 10 का एग्जाम फिर देना पड़ेगा, यानी नेक्स्ट लाइफ में आएंगे और फिर से यही इंसिडेंट यही लोग फिर आपके सामने आएंगे, फिर सफरिंग रहेगी, तो क्यों ना अभी के अभी इसी लाइफ में इन सब चीजों को क्लियर कर लें। तो और माफ करना मतलब अंदर से कंप्लीटली फॉरगिवनेस देना, और जब और फिर जब आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करें और फिर कभी वो इंसिडेंट को या उस लोगों को याद करें, तो आप देखें कि आपकी आंखों में आंसू आ रहा है क्या, या उतना ही उसी लेवल में आपको ग्रीव सॉरो पेन हो रहा है क्या। अगर हो रहा है तो अभी और प्रैक्टिस है, और माफी मांगिए और दीजिए, और जिस दिन लगे कि अब वो बातों के लिए आपके कुछ नहीं मायने रखता, और आपने तब यानी इसका मतलब आपने पूरी तरह से उसको फॉरगिव फॉरगेट लेट गो कर दिया। तो और क्या है, दूसरों को दुख देने वाले जो लोग हैं, एक्चुअली में वो खुद ही तो दुखी हैं, यानी लुई हेने जिनका मैं बात कर रही थी अभी, जिनको कैंसर हो गया था, सिखाती थी, तो उन्होंने भी कहा कि उनके बुक में भी है कि इंसान वही देगा दूसरों को जो उसके पास है। एग्जाम्पल, अगर आप किसी के पास कहते हैं कि अगर किसी के पास ऑरेंज जूस है और आप उसके पास एक खाली ग्लास लेकर के जाएंगे, तो वो क्या देगा, वो आपके ग्लास में ऑरेंज जूस ही डालेगा, क्योंकि उसके पास वही है।
और अगर किसी इंसान के पास पॉइजन है तो वो आपको वो पॉइजन ही देगा। खुद अपमान आपको इंसल्ट कर रहा है, अपमान कर रहा है उसका, यानी उसका जीवन खुद ही अपमानित से भरा हुआ है वो खुद भी। तो जैसा जिसके पास जो होगा वही देगा ना, तो अब हम उसको ले करके आ जाएं और फिर बोलेंगे क्यों क्यों क्यों, तो यहाँ पर अपने आप को समझेंगे कि वो इंसान के लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है या घटित हो रहा है जिसके कारण वो ऐसे गुस्सा करता है या चिल्लाता है या फिर। तो इन सब बात को समझते हुए हम लोग उसको फॉरगिवनेस करें, ब्लेस करें कि अरे इसके इतना इतना पीड़ित है, इतना दुखी है ये इंसान, ऐसे चीख रहा है, तो हम रिएक्ट करने की जगह उसको ब्लेस करें कि अरे उसको सुख शांति मिले, ठीक हो जाए। तो ऐसा करेंगे तो अच्छा है, फॉरगिवनेस माफी देंगे तो अच्छा है, और नहीं तो फिर कैरी फॉरवर्ड करते रहो। तो अपने आप को चेक करें इस लाइफ में किन किन लोगों से नहीं बनती है या बातचीत बंद है या ये सब चीजें हैं, तो क्या करना है इस लाइफ में ही उसको क्लियर कर लेना है। नहीं क्लियर करेंगे तो नेक्स्ट लाइफ में फिर वापस मिलेगा। तो लगता है कि ये इंसिडेंट या ये लोग नेक्स्ट लाइफ में नहीं चाहिए, तो यहाँ के यहाँ इसी लाइफ में इसको बिल्कुल क्लियर कर लें, माफी मांग लें, दे लें। अब एक और चीज, और कैसे, जैसे हम छोटा बच्चा समझ के उसको माफ कर सकते हैं, छोटा बच्चा इन द सेंस उम्र में नहीं, मान लीजिए उम्र में कोई छोटा बच्चा आता है और हमारे पास आकर के एक थप्पड़ी मार दिया या धक्का दे देता है, तो क्या हम भी पलट के उसको मारेंगे या धक्का देंगे बच्चे को? नहीं ना। तो उसको हम बच्चा समझ के माफ करते हैं। तो ठीक वैसे ही अगर ऐसे लोग हमारे जीवन में आ रहे हैं, कोई ठीक है सोल प्लानिंग का भी है या कोई बार बार गलतियां करता रहता है, तो अब क्या करेंगे उसको बच्चा सोल के लेवल में बच्चा समझ कर माफ करेंगे, क्योंकि वो मैच्योर्ड सोल नहीं है। जैसे बेबी सोल होता है, इन्फेंट सोल होता है, यंग सोल होता है, ओल्ड सोल होता है, माने कितने सारे वो लाइफ लेकर आ चुका है, कितने सारे एक्सपीरियंस करके आ चुका है, तब जाके वो एक मैच्योर्ड सोल बना है। और जो अभी बेबी सोल ही है, अभी अभी जन्म आया ही है इंसान का जीवन लेकर के, उसको अभी नहीं पता ज्यादा कुछ, तो उसको बच्चा समझ के माफ करेंगे, ना कि हम अपना लेवल डाउन कर लेंगे, मेरा लेवल यहाँ है, किसी ने ये किया है कुछ उसका लेवल यहाँ है, तो उसके लेवल में आकर अपने आप को गिराकर उसको जवाब देंगे, उससे लड़ेंगे, तो आपने तो अपना ग्रेड डाउन कर लिया। हम क्लास 10 में थे, वापस आ गए 5 में, तो ये नहीं करना है, अपने लेवल को अप ही रखेंगे और उसको माफ करेंगे बच्चा समझ करके। तो माफी मांगना और देना, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जाएं उस इंसान के सामने और जाकर उसको बोलें कि प्लीज माफ कर दो, प्लीज मैं तुम्हें माफी देती हूँ, ये जरूरी नहीं है। अगर आपका वो फैमिली मेंबर है या फिर आप वो इंसान कैसा है, आप कर सकते हैं सामने, ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको सामने ही करना पड़ेगा। आप मन में, विचारों में, अपने आप अपने मन में भी आप उसको फॉरगिवनेस दीजिए और मांगिए, वो वाइब्रेशन जाएगा, वो एनर्जी जाएगी और आपका वो आप मुक्त हो जाएंगे उस कार्मिक अकाउंट से, और सामने वाले का भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपने तो ध्यान और ज्ञान करके अपनी फ्रिक्वेंसी अपने लेवल को अप कर लिया। अभी जिससे आपको माफी देनी है मांगनी है, वो अभी उस लेवल में नहीं आया है, भले आप उनको माफी देना और मांगना करेंगे, आप रिलीज हो गए, वो अभी आपको माफ नहीं करेगा, और वो हो सकता है और 4 ताने दे दे कि भले कि देख लो माफी मांगने आ गई, तो यानी खुद की गलती थी, ऐसा भी होगा कि वो और 4 ताने दे देगा अगर आप माफी मांगने जाएंगे सामने। कोई बात नहीं, वो उसकी थिंकिंग है, वो उसका अभी कार्मिक अकाउंट अभी नहीं खत्म होने रहा है, पर आप दे करके आप विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि सामने वाला क्या कर दिया कि नहीं माफी, वो आपकी माफी को एक्सेप्ट किया कि नहीं, ये सब चीजों को बिल्कुल नहीं सोचना है। आप अगर सामने कर सकते माफी दीजिए, सामने वाला क्या रिएक्ट कर रहा है मत भूल जाइए, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन आप उनसे मांगिए या दीजिए, और नहीं मांग सकते तो क्या करना है, मन ही मन मेडिटेशन में या ब्लेसिंग देना है, फॉरगिवनेस करना है, तो आपका आप अपनी तरफ से रिलीज हो गए। अब तो ये सारी बातें हैं, क्योंकि हमको रिलीज होना, अपने आप को अपने उन बंधनों से, उस जेल से, उस यादों से, कैद से हमको आजाद करना अपने आप को,
और रोज का रोज प्रैक्टिस करना, जिस तरह हम रोज खाना खाते हैं, ध्यान करते हैं, नहाते हैं, तो वैसे ही ध्यान भी फॉरगिवनेस प्रैक्टिस भी डेली वाली चीज है कि डेली सोने से पहले दिन भर में क्या हुआ, पहले की चीज अगर हो गया डिलीट तो और दिन भर में। अब जैसे मेरे अब एक एग्जाम्पल मैं अपना ही देती हूँ कभी कि हाँ ठीक है, मेरी भी लाइफ में कुछ शिकार इंसिडेंट हुआ, जब मैं ध्यान में आई, मेडिटेशन में बैठी, नई नई, मुझे इतना फॉरगिवनेस और ये सब पता नहीं था, बस मैं ऐसे ही बैठी और मेरे आंख से टप 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 पूरी तरह आंसू गिरने लग गए और मन ही मन में एक वो थॉट आया, जबकि मैं सोच भी नहीं रही थी, लेकिन ध्यान में मुझे वो थॉट आया कि उस इंसान को माफ कर दो। और मेरे बगल में ही फोन रखा हुआ था क्योंकि म्यूजिक चल रहा था और मैं मेडिटेशन कर रही थी, तो आज से 10 साल पहले की बात है। तो क्या हुआ, मैंने उस इंसान को तुरंत का तुरंत फोन किया और मैं उससे माफी मांगी। मैं ये बोली कि उस इंसिडेंट की वजह से मेरे दिल में बहुत जो था कि मैं बहुत सप्रेस थी, ये थी वो थी, मैं तुमको कोसती थी, मैं आपको कोसती थी बहुत, तो उस चीज के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैंने क्या कहा, जबकि बहुत पहले की बात है, मैंने जस्ट सिर्फ नए नए ध्यान में कुछ ही टाइम हुआ था और 10-12 साल पहले की बात है, और मैंने कहा कि मैंने आपको उस इंसिडेंट के लिए कोसा, बहुत बार कोसा, हर रोज कोसती हूँ, तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सामने वाले ने अपना जो भी ईगो दिखाया और उसने ओके बोल के फोन रख दिया। अब लेकिन और क्योंकि वो एक कोई फैमिली मेंबर ही थे और उन्होंने फिर मैं देखी कि अरे वो तो अपने ही उसमें है, ईगो में, और अभी भी उनके तो कुछ भी बात नहीं कर रहे मुझसे और ऐसे, तब मुझे लगा कि ठीक है, मैंने अपना काम कर दिया, वो उसकी मर्जी, उसने वो माफ किए ना किए, या जबकि गलती उनकी मेरे हिसाब से, तो ऐसा ठीक है। तो फिर लेकिन हो गया, समय के हिसाब से वो भी ठीक हो गए, तो ऐसा होता है। और एक बार और मैं टैक्सी में आ रही थी और जब कभी ट्रैफिक में टैक्सी वो रुका हुआ था सिग्नल में, तो क्या हुआ, कोई एक सेफ्टी पिन बेचने वाला आते हैं ना, वो लोग आकर के वो बार बार मेरे को बोल रहा था ले लीजिए ले लीजिए। तो क्या हुआ, मैं थोड़ा सा इरिटेट हुई और मैं उसको कोई मतलब मैं ऐसे बोली नहीं लेना है जाओ, मतलब इतना भी नहीं, बहुत ठीक ही से बोली कि हाँ मुझे नहीं चाहिए जाओ। तो अब क्या हुआ, घर आने के बाद मेरे को अब रात में लगने लगा शाम के बाद कि मैंने उसको अच्छे से नहीं बोला, वो बेचारा अपना काम कर रहा था, सेफ्टी पिन बेचने आया था, मुझे नहीं चाहिए था वो, और मैं उसको ठीक से भी बोल सकती थी ना कि नहीं भैया मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैंने थोड़ा तो जोर से बोला था। मेरे अब मैं कहाँ उससे माफी मांगने जाऊंगी, वो तो वापस मेरे को नहीं दिखेगा ना, लेकिन मन ही मन फॉरगिवनेस प्रैक्टिस किया, उसको माफी दी, माफी मांगी, तो मैं उससे मन ही मन माफी मांग करके उस चीज से अपने आप को, तो मैं ये एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि आप हो सकता है ना बहुत से लोग आपको वापस जीवन में नहीं मिलेंगे, लेकिन वो आप उनसे फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। लॉर्ड जीसस जब उनको नेल से उनको जब हैंग किया गया, उनके माथे पे कील ठोका गया, उनके हाथ में पैर में क्या थे उनके वर्ड्स, परमात्मा इनको माफ करना। उन्होंने क्या किया, उनको वो उन लोगों को कोस नहीं रहे हैं, चिल्ला नहीं रहे, उनको बद्दुआ नहीं दे रहे हैं, उन्होंने क्या किया, इन लोगों को माफ करना, इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। इस तरीके से भगवान की तरह उनकी उनकी क्या विचार थे, जो इतनी तकलीफ दे रहा उन्हीं के लिए वो प्रेयर कर रहे हैं कि इनको माफ करना, इनको माफ करना। तो और लॉर्ड बुद्धा की भी कहानी हम जानते ही हैं कि जब उनको एक आदमी आकर के उनके बारे में ऐसे ही कुछ सुनता था, नहीं पसंद करता था, वो आया और उनको बहुत भला बुरा बोला, बहुत कुछ ताना मारा सुनाया, भगवान बुद्ध ने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, उनके शिष्य भी गुस्सा करने लगे थे, वो बोले कि आप चुपचाप सुन रहे हैं, उन्होंने उनको भी शांत करा दिया कि नहीं। और फिर वो आदमी फिर उनसे कहता है कि कितने बेशरम हो, तुमको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम्हें मैं इतना कुछ कह रहा हूं तब भी तुमको फर्क नहीं पड़ा। तो वो क्या बोले, उसको बोले कि अच्छा ये बताओ, अगर तुम किसी को तोहफा ले जाकर देते हो, किसी को कुछ गिफ्ट देते हो, और अगर वो इंसान तुमसे वो गिफ्ट ना ले, तो ये गिफ्ट किसका हुआ? तुम अगर किसी को कोई गिफ्ट ले जाके दे रहे हो, वो नहीं लेता है, तो क्या होगा, गिफ्ट किसका होगा? तो बोला हाँ मेरा ही होगा, मुझे ही लेके जाना होगा।
बोला ठीक, मैंने तुम्हारे उसी तरह, मैंने तुमने जो भी दिया मैंने नहीं लिया, मैंने नहीं लिया तो वो किसका हुआ? वो सारी गाली और जो भी जो वो कुछ कह रहा था वो सब तुम्हारा ही हुआ, तुम लेकर जाओगे। तो इस तरीके से क्या था कि उन्होंने उसको अपने ऊपर हावी नहीं दे होने दिया उन सब बातों को। हम रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब हम ले लिए। तो बस यही है कि माफ करें, माफी मांगें, लेट गो करें, अपने आप को अपना जीवन सुंदर बनाएं, क्योंकि अभी हम माफ करके अच्छे विचार रख के तो हमारा आगे का जीवन सुंदर होगा, नहीं तो ये लाइफ भी सफरिंग और आने वाले और भी कई लाइफ में सफरिंग। तो थैंक यू एवरीवन, आज के इस विषय पे इतना ही मुझे कहना था। अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत बहुत ध्यान से आप लोग सुनने के लिए शुक्रिया। और तो थैंक यू फ्रेंड्स, तो अब हम मेडिटेशन करेंगे। आज हम जो फॉरगिवनेस मेडिटेशन भी प्रैक्टिस करेंगे। और थैंक यू, तो तैयार हो जाएं आज के ध्यान के लिए। आज के इस मेडिटेशन में हम क्या करने वाले हैं, हम हर उन लोगों को याद करेंगे जिनको हमको माफी देनी है। फिर एक फर्स्ट पार्ट है माफी देने की, सेकंड पार्ट है माफी मांगने की, और इस तरीके से मैं गाइड करती रहूंगी, मेडिटेशन हमारा चलेगा। और प्लीज मेडिटेशन जरूर कोई कंप्लीट करें, आज ये मौका है। जितना हमने अपने बात ये बातें की हम समझे हैं, उस एनर्जी से हम कनेक्ट हैं, ग्रुप की एनर्जी से कनेक्ट हैं, तो मेडिटेशन जरूर कंप्लीट करके ही उठें। तो शुरू करेंगे हम आज का ध्यान। सभी कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लेंगे, जो चश्मा पहने हैं वो चश्मा उतार लेंगे, और हाथ पैर क्रॉस करके बैठ जाएंगे। लोग ज्वाइन हैं, यानी 150 लोग के करीब, तो बहुत अच्छी एनर्जी। हम बिल्कुल आज अपने आप को खाली खाली करेंगे। तो फ्रेंड्स, कोमलता से अपनी आंखें बंद, हाथ पैर क्रॉस कर लेंगे। आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं। मैं एक म्यूजिक प्ले करती हूँ। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेके आए, गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर। ऐसा 5 बार करें और इस पूरी तरह अपने आप को इस प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आए। तनाव को जाने दें, अपने पूरे शरीर को, दिमाग को रिलैक्स होने दें। कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई अकड़न नहीं, बिल्कुल रिलैक्स। Thank you.
मेडिटेशन के द्वारा हर उन लोगों को अपने सामने विजुअलाइज करेंगे, अपने मन की आंखों से उन लोगों को देखेंगे, लेकर आएंगे जिनसे हमें माफी मांगनी है और माफी देनी है। आज समय आ गया है कि हम अपने उन सारे कर्म बंधन को उनसे हम मुक्त होंगे माफी देकर और मांगकर, पूरी तरह से मन स्थिर कर लें, शरीर स्थिर है, चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान। हम तैयार हैं, अपने आप को संकल्प लें कि मैं तैयार हूँ आज माफी मांगना और देना करके, फॉरगिवनेस करके उन सब कार्मिक अकाउंट को रिलीज करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो हम पहले इन्वोकेशन करेंगे, आमंत्रित करते हैं दिव्य देवदूतों को, मन ही मन दोहराएं, आध्यात्मिक सहायकों को, आध्यात्मिक गुरुओं को, सिद्धों और संतों को, हमारे स्पिरिट गाइड को, हमारे प्रिय गुरु पितामह पत्री जी को, महावतार बाबा जी को, लॉर्ड बुद्धा को, लॉर्ड जीसस को, लॉर्ड कृष्णा को, उन सब की एनर्जी को, उन सब को याद करती हूँ कि वे सब आकर हमारे इस ध्यान विधि में हमें अपने दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य आनंद और दिव्य ऊर्जा से भर दें, हमें अपने दिव्य आशीर्वादों से भर दें, हमें मदद करें कि हम उन सब लोगों को माफ कर सके, पा सके, माफी पा सके और अपने कर्म बंधन से मुक्त हो सके। हम पूरे विश्वास के साथ आपका धन्यवाद करते हैं। तो सबसे पहले हम माफी मांगेंगे हर उन लोगों को, अपने मन की आंखों से अपने सामने लेकर आए, देखें, जिन्होंने कभी भी आपके जीवन में जिनको आपने कभी भी दुख तकलीफ पहुंचाया है, जिन भी लोगों को आपने कभी भी जाने अनजाने, चाहे अनचाहे दुख तकलीफ पहुंचाई है, कभी अपने बातों से, अपने विचारों से या अपने कर्मों से, उन सब लोगों को अपने सामने देखें। वे सब आपके सामने आकर खड़े हो चुके हैं, वो एक या अनेक हो सकते हैं, जिनसे आपको माफी मांगनी है जाने अनजाने हुए कर्म के कारण, अपने शब्दों के कारण, अपने विचारों से आपने किसी को भी भला बुरा कहा है या किया। अपने आप को देखें कि आप हाथ जोड़े उनके सामने मस्तक झुकाए खड़े हैं। आप चाहे तो अपने हाथ अभी फिजिकली हैं, आप नमस्कार मुद्रा में अपने आप को लेकर आए। आप इन बातों को जोर से भी कह सकते हैं, मन में भी कह सकते हैं, जोर से कहें तो ज्यादा अच्छा है। वे सभी आपके सामने खड़े हैं और आप उनसे कहें, उनको सोल के लेवल में आप उन्हें देख रहे हैं, और दोहराएं, आत्मा नमस्ते। आपकी अंदरूनी दिव्यता को मैं नमन करती हूं। सब परमात्मा की संतान है, परमात्मा की दिव्य संतान होने के बावजूद भी हम सब गलतियां करते हैं। मेरे द्वारा आपको दुख तकलीफ जो भी कभी पहुंची है, मेरे शब्दों से, मेरे विचारों से, मेरे कर्मों से मैंने आपको दुख या पीड़ा पहुंचाया है, उसके लिए
मैं पूरे दिल से आपसे क्षमा मांगती हूं। देखें, वे सब भी हाथ जोड़े खड़े हैं, उनके चेहरे पे भी नम्रता का भाव है और आप सच्चे मन से उनसे माफी मांग रहे हैं। फिर से कहें, कृपा कर मेरी उन गलतियों को भुला दे, मुझे क्षमा करें। परमात्मा, कृपा कर मेरी उन गलतियों को अप्रभावी कर दे और मुझे मेरी गलतियों के लिए पूरी तरह क्षमा कर दे। ओम शांति शांति ओम शांति शांति ओम शांति शांति। देखें, वे सभी आपको क्षमा कर रहे हैं, वे सभी पूरे मन से अपनी आत्मा से आपको क्षमा कर चुके हैं और आपकी उन गलतियों को बिल्कुल भुला चुके हैं। वे मुस्कुरा रहे हैं और आप भी मुस्कुरा रहे हैं। अपने हाथों को नीचे रखें, हो सके तो उनसे हाथ मिलाकर या गले लगकर उन सबको विदा करें। आपको माफी देकर उन सब बातों को भुलाकर वे मुस्कुराते हुए जा रहे हैं और आप भी बहुत खुश हैं, बहुत हल्के महसूस कर रहे हैं। देखें सपने, उस हल्केपन को महसूस करें। विजुअलाइज करें अपने मन की आंखों से, हर उन लोगों को अपने सामने देखें जिन्होंने आपको आपके जीवन में दुख तकलीफ पहुंचाई है, जिनकी वजह से आपने बहुत कुछ सफर किया है, बहुत कुछ झेला है। उन सब लोगों को अपने सामने विजुअलाइज करें। देखिए, वे सभी आ चुके हैं। वे सभी हाथ जोड़े खड़े हैं। ये पल आ चुका है कि आप उन्हें माफ करें और अपने आप को मुक्त करें। आप भी दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आए और अब दोहराएं, आत्मा नमस्ते,
आपकी अंदरूनी दिव्यता को मैं नमन करती हूँ। हम सब परमात्मा की संतान हैं, परमात्मा की दिव्य संतान होने के बावजूद भी हम सब गलतियां करते हैं। आपकी गलतियों के लिए मैं आपको क्षमा करती हूं। आपके द्वारा मुझे मिले दुख व दर्द के लिए मैं आपको क्षमा करती हूं। मन से, वचन से, कर्म से आपने जितने भी दुख तकलीफ मुझे दिए हैं, उन सबको आज मैं भुला देती हूँ। उन सब विषयों को भुला दिया गया है। परमात्मा कृपा कर इनके नकारात्मक कर्म को अप्रभावी कर दे। मुझे और इन्हें शांति मिले। पूरे दिल से, पूरे मन से, आत्मा से आपने इन लोगों को माफ कर दिया है। दोनों हाथों को नीचे रखिए। ओम शांति शांति ओम। ओम शांति शांति ओम शांति शांति। इन सभी लोगों को हो सके तो हाथ मिलाकर या गले लगकर विदा कर दें। वे सभी खुश हैं कि आपने उन्हें माफ कर दिया है। आपके और उनके जो भी कार्मिक अकाउंट थे वो सब रिलीज हो चुके हैं। सब विदा हो रहे हैं, जा रहे हैं। देखें, अपने आप को महसूस करें, बिल्कुल हल्के, बिल्कुल रिलीज। आंखों में अगर आंसू आए तो आने दीजिए, वो रिलीजिंग प्रोसेस चल रहा है। आज निकल जाने दे, धुल जाने दे उन यादों को, उन बंधनों को, मुक्त हो जाने। देखिए माफी देकर कितने हल्के महसूस कर रहे हैं। जैसे दिल पर एक बड़ा सा बोझ इकट्ठा था, आपने जमा कर रखा था एक बड़ा सा पत्थर, और आज वो हट चुका है। जैसे अपने आप को किसी पिंजरे में कैद कर रखे थे और आज वो पिंजरा खुल गया है। आप आजाद हो गए उन बंधनों से, उन यादों के बंधनों से, उन बातों के बंधन से। समझ चुके हैं कि ये सारे लोग जो आपको आज तक दुश्मन लगते थे या लगते थे क्यों आए हैं मेरे जीवन में मुझे दुख देने, आज आप समझ चुके हैं कि वे आपके अच्छे दोस्त हैं। वे आपको कुछ सिखाने आए थे। उनको ग्रैटिट्यूड करें, हर उन लोगों को, हर उन इंसिडेंट को शुक्रिया भाव करें। उनकी वजह से आपने बहुत कुछ सीखा अपने जीवन में और आप आगे बढ़ सके।
अब अपने आप को देखिए एक आईने के सामने, एक बड़े से शीशे के सामने आप बैठे हैं, खुद को देख पा रहे हैं। माफी मांगी खुद से, अपने आप से भी फॉरगिवनेस करें। कभी भी जीवन में अपने आप को कम समझा हो, अपने आप को कभी कोसा हो, बुद्धि के लेवल में, शरीर के लेवल में, किसी भी लेवल में अपने आप को अपनी बुराई करी हो, कोसा हो, कम समझा हो, क्रिटिसाइज किया है, तो माफी मांगे अपने आप से। पर उन चीजों के लिए माफी मांगती अपने शरीर से, खुद से, और शुक्रिया भी करें खुद को, अपने शरीर को। शरीर का हर एक अंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शरीर है तो हम जीवन का आनंद उठा पा रहे हैं, हम अपने सोल को इवॉल्व कर पा रहे हैं। जैसा भी है ये मेरा है, ये मैं हूं। हर लोगों में एक अपनी यूनिक क्वालिटी होती है, मुझ में भी ऐसी एक खूबी है जो दूसरों में नहीं। शुक्रिया भगवान को, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस बॉडी, दिस लाइफ, इंटेलेक्ट, माइंड। अब हम माफी मांगेंगे अपने उन लोगों से, अपने माता पिता और गुरु से, अपने बच्चों से, अपने पार्टनर से, कभी भी उन लोगों से हमने कहा सुनी करी या उनकी बुराई करी, उन सब से माफी मांगना और देना। छोटी छोटी बातों में अनबन हुआ, ने भी माफी मांगी और दी। माफी मांगेंगे कभी भी जाने अनजाने हमने मांसाहार का सेवन किया हो, कभी भी किसी पशु को नुकसान पहुंचाया है, जीवन में कभी भी गलती से मांसाहारी सेवन किया हो, तो उसके लिए भी फॉरगिवनेस करें। प्रकृति से माफी मांगी, कभी भी हमने नेचर को, मौसम को, धूप को, बारिश को कभी भला बुरा कहा हो, तो प्रकृति से भी हम माफी मांगते हैं। अपने खाने से भी माफी मांगे, कभी भी फूड को क्रिटिसाइज किया हो, अच्छा नहीं बना, ठंडा मिला, नहीं मिला, उन सब चीजों के लिए भी माफी मांगेंगे। माफी मांगते हैं सभी खनिज जाति, पशु पक्षी जाति, वनस्पति जाति, मनुष्य जाति, पृथ्वी माँ। जब हम कभी कचरा फेंकते हैं सड़क पर, गंदगी मचाते हैं, उन सब चीजों के लिए भी माफी मांगे। देखिए आपको माफी मिल चुकी है, आप पूरी तरह से हर कण बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, पूरी तरह से आज हल्के, आजाद,
महसूस करिए अपने आप को। लास्ट 5 मिनट्स इसी एहसास के संग बने रहे। धीरे धीरे लौटेंगे हम वापसी में, धीरे धीरे ध्यान विधि से अब हम बाहर लौटेंगे ग्रैटिट्यूड के साथ, प्रकृति को शुक्रिया, मदर अर्थ को शुक्रिया, पूरे ब्रह्मांड को शुक्रिया, अपने इस जीवन को शुक्रिया, जीवन में आए हर लोगों को शुक्रिया। अपने शरीर को, अपने माइंड को, अपने बॉडी में और जितने भी रिश्ते नाते हैं, लोग हैं, सबको शुक्रिया का भाव। थैंक यू गॉड, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू स्पिरिचुअल हेल्पर्स, होली एंजल्स, हायर सोल, सुप्रीम गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ध्यान से पहले जिनको भी हमने आमंत्रित किया था, दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, आध्यात्मिक गुरुओं को, सिद्धों और संतों को, हम पूरे विश्वास के साथ आपका धन्यवाद करते हैं। हमें अपने दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य आनंद, दिव्य ऊर्जा और आशीर्वादों से बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सारे निगेटिव एनर्जी और कार्मिक अकाउंट को रिलीज करने के लिए, खत्म करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल द ग्रेट ग्रेट वंस। थैंक यू पितामह पत्री जी को शुक्रिया, भगवान गौतम बुद्ध को शुक्रिया, महावतार बाबा जी को शुक्रिया, लॉर्ड जीसस, लॉर्ड कृष्णा, उन्हें भी शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में खोलते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। फाइव फोर थ्री टू एंड वन। कोमलता से अपनी आंखें खोले एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। और मैं अनम्यूट कर रही हूँ, एक जोरदार ताली सबकी तरफ से।
बहुत सुंदर श्वेता जी, आज थैंक यू मैम, सुंदर बहुत सुंदर, थैंक यू मैम, बहुत सुंदर आज आपने हम लोगों को अपने आप से मिलाया, थैंक यू बहुत ही आपसे मिलाया है इतने दिनों, धन्यवाद, थैंक यू श्वेता, आज हम अपने आप से ये जॉब इतने बड़े आया आपने, थैंक यू श्वेता, धन्यवाद मेडिटेशन, मैं एक एक करके अनम्यूट करूंगी आप सबको, क्योंकि इसीलिए आप सब इतने सुंदर से इस पूरे चीज को सुना है, सेशन को और ध्यान किया इतने सुंदर से, तो आप लोगों को धन्यवाद और आप लोगों के लिए ताली बजाती हूँ और एक एक करके अनम्यूट करूंगी। अगर आप लोग एक्सपीरियंस शेयर करें, बहुत अच्छा, विद्या जी कुछ कह रहे थे, विद्या जी को मैं पहले अनम्यूट करती हूँ। विद्या जी अपने आप को अनम्यूट करें, और क्योंकि आज जो हमने ये किया है और मैं ये शेयर भी करूंगी ग्रुप में, इसको हम लोग डेली में प्रैक्टिस करें तो बहुत जी, आज के लिए तो आपको हमारे पास कोई शब्द नहीं है, इतना सुंदर अपने आप से मिलाया है, और सही में ये चीज हम कभी नहीं जान पाते हैं कि अपने आप माफी दें और लें, और इससे बहुत मन को रिलीफ भी मिलता है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, मतलब मैं तो बता ही नहीं सकती कि क्या मिला है आज मेरे को, बहुत बड़ा खजाना मिला है जीवन का, बहुत सुंदर, थैंक यू विद्या जी। और हम सब इतने खुद भी, जैसे आप सब इतने विद्या जी इतने सीनियर है, खुद ध्यानी है और इतना अच्छा सब सत्संग भी करते, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा तो बहुत मायने रखता है ये बात, और ऐसा नहीं कि हम बहुत कोई भी कि ध्यानी है योगी है तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, हमने सबको माफ कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ ना कुछ हमको ऐसा होता है, तो जाने दिन भर में हम सोने टाइम भी कर सकते हैं कि हाँ जाने अनजाने अगर कभी कुछ हुआ है किसी से कुछ गलती दूसरे से मुझसे, तो मैं माफी मांगती हूँ देती हूँ, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। एक एक करके मैं अनम्यूट करूंगी। श्रेया अटल जी कहिए। दी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। आप खैर, आपको मैं जितना भी क्वेश्चन की थी उसका आंसर तो आज मुझे मिल ही गया, और दी दूसरी बात ये कि मतलब मेरे पास तो कोई वर्ड्स ही नहीं है, आज मैं जितना रोई हूँ शायद ही मैं कभी और रोई हूँ, मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा लग रहा है जब आप लेक्चर दे रहे थे फॉरगिवनेस के बारे में, मेरा सर पूरा भारी हो गया था, और जब मैं माफी दी और माफी मतलब ली हूँ तो ऐसे लग रहा है कि टोटली आई एम क्लीन। लेकिन दी मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, मुझे कुछ नहीं रखना मेरे माइंड में, एकदम जीरो करना है, कोई कुछ बोले, कोई कुछ करे, कुछ भी करे, एकदम मतलब बोकी बनना है दीदी, बोकी बनना और कुछ नहीं दीदी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं श्रेया जी, उसको हम लोग कहते हैं कि बच्चे बन जाओ, बच्चे की तरह होते, कुछ भी बोला कोई किया वापस आ जाते हैं, वापस घूम फिर के आ जाएंगे, उसको डांट दो मार दो फिर आ जाएंगे, तो अपने रखते हैं। आपने एक बार बोला था ना रात वाला सेशन में कि मतलब नमक से नहाया करो, अपना शरीर का सारा नेगेटिविटी खत्म कर दो, तो दीदी मैं जब भी नहाती हूँ ना मैं एक ही चीज बोलती हूँ, एक तो नेगेटिविटी खत्म करो और मुझे बच्चे बना दो, कोई भी देखे तो यही समझ में आए कि ये तो अभी भी बच्ची है। बस दी मैं तो यही चाहती हूँ दीदी कि मतलब आज तो मैं पूरी क्लीन अप हो गई हूँ, अब तो कोई भी कुछ भी बोले बस मैं हंसते हुए चले जाऊंगी, अब तो ये संकल्प मैं लेके चलूंगी, आज मेरा सोमवार का व्रत भी है, इसको मैं लूंगी तो मतलब लूंगी, कभी भी अगर गलत कर भी दू ना स्वीटी श्रेया तू चेंज हो खुद को कर लूंगी, लेकिन दीदी आपका भी आशीर्वाद चाहिए तभी कर पाऊंगी, अकेले तो नहीं कर पाऊंगी। थैंक यू श्रेया जी फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, जितने हमारे आंसू निकले समझ लीजिए सारी धुलाई हो गई, सफाई हो गई आज, तो बहुत अच्छा है आंसू निकलना, और मैंने भी अपना एक्सपीरियंस बताया था ना, तो बहुत अच्छा है आंसू निकलना, और बिल्कुल मेरे आशीर्वाद की जरूरत नहीं, आप ध्यान कर रहे हैं वही आशीर्वाद है, आप ध्यान ने किया है इतने मन से, खुद ने आपने अपने आप को ब्लेस किया आज उस फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करके, थैंक यू श्रेया जी। मोनिका मुंद्रा जी अनम्यूट करें। दीदी क्या बोलूं ये बताओ पहले तो बोलने के लिए कुछ नहीं रहा है दीदी, बहुत बहुत, पर दीदी एक क्वेश्चन है कि मेरे मन में है, मेरे साथ जो घटना घटी मैंने उनको उस टाइम मैंने माफ कर दिया 2 साल पहले, अब उनको कैसे माफी, और कुछ वो मेरे से बोलते सब जने मेरे से, हाँ
तो जो पहले मेरा वो था उनसे लगाव और तो वो अटैचमेंट अब नहीं रहा मेरा। मेन की आप ये चेक करेंगे कि आप अगर फिर से वो इंसिडेंट याद आता है कभी भी तो फिर से वो आंसू या दुख तो नहीं होता है। अगर होता है यानी अभी भी बाकी है तो होता है दीदी। मैं कभी कभी बात करते हैं फ्रेंड के साथ में तो वो मेरे को वो बातें याद आ जाती है तो मेरे आंखें आंसू आ जाते हैं। तो यही चीज है कि उसको अभी आपको रोज का रोज प्रैक्टिस करना है, सुबह शाम या दिन भर में एक बार भी आप ध्यान करिए उन लोगों को। मेडिटेशन स्टार्ट होने से पहले फॉरगिवनेस का वो चीज प्रैक्टिस करिए ताकि आप खाली हो गए और ताकि खाली होंगे तो हम अच्छी ऊर्जा को और लें अपने अंदर। तो ये कुछ टाइम के लिए प्रैक्टिस करना है कि ठीक है उन लोगों ने जैसा मैंने बताया कि किसी भी कारण से आए और कुछ ना कुछ सिखा के गए उनसे स्टूडेंट से तो थैंक यू भी करना। दीदी दीदी मेरे को इतना अच्छा सिखा के गए आप लोगों से जोड़ा 2 साल से राइट। मैं ये सब चीज भटक गई थी बिल्कुल 2 साल से मैं घर में रहना सीखा प्लस आप लोगों से जुड़ी और नारायण रे की रात दीदी से जुड़ी उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत मेरे खुद ने बहुत चेंज किया। बिल्कुल एकदम सही बोले मोनिका जी क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ वो सिखा के गए और साथ ही साथ हमको उनको फॉरगिवनेस के साथ एक चीज क्या है ग्रेटिट्यूड बल्कि थैंक यू भी बोलना है कि अरे मेरे जीवन में आए और मुझे मेरे सोल को इवॉल्व किया मैं इस रास्ते पे मुझे लाया मैं वहीं अटकी पड़ी थी। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ भी तो आपको बढ़ाया तो है आगे। अनुराधा जी अनम्यूट करें। आपकी आवाज नहीं आ रही अनुराधा जी नमस्ते बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही आप अनम्यूट तो हो चुके हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही। कोई नहीं ठीक है मैं आपको अनम्यूट ही रखती हूँ आप बोल पाए तो बोलिएगा तब तक मैं दूसरा रंजना जी रंजना टेपीवाल जी बोली अनम्यूट करिए रंजना जी। हाँ बोल रही हूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा मतलब आज जो तुमने दिया है मतलब ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा एक तो चमत्कार भी है बहुत बड़ा गिफ्ट इससे बड़ा और कोई गिफ्ट नहीं हो सकता है। अब मेरे को मैं जब सबसे माफी मांग रही थी ना मेरे इतने आंसू निकले मतलब अभी भी रोने का मन हो रहा है मतलब अभी भी ऐसा लग रहा है कि और रोऊं मत अभी भी अंदर से मतलब मन भरा हुआ है रोने के लिए। तो मतलब ये चीज अभी क्या मैं रोती रहूं अभी बिल्कुल आप आंसू उसको मत रो के रखिए निकाल लीजिए आप जब अभी ऑफलाइन होंगे और आप हाँ। कमरे बंद करके आपको जितना रोना है रो लीजिए सारे अंदर के सारे उसको निकाल दीजिए और वाकई में आप देखेंगे क्योंकि उसके बाद आप पूरी तरह आपके लाइफ में कितना बदलाव आ रहा है पूरी तरह आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ये मेरा खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जब मैं एक बार प्राणिक हीलिंग सेंटर में थी और वहां पे फॉरगिवनेस प्रैक्टिस हो रहा था हाँ। मुझे लगता था कि ठीक है मैं तो अभी ये भी कुछ साल पहले की बात है मुझे लगा मैंने सबको माफ कर दिया दे दिया ऐसा कुछ नहीं है ठीक है चलो हो रहा है चलते हैं। मैं गई हाँ। सेंटर में मैं और जब वो अभी से लेकर पूरे बचपन तक लेके गए थे कि मास्टर जब हम लोग कर रहे थे कि अभी से लेके हर बचपन के तक जितने लोग आपको वो किए हैं फिर तो और जितने लोगों को देना है तो क्या हो रहा था मेरे आंसू रुक ही नहीं रहते मेरे पूरे जैसे यहाँ से पूरा मेरा ड्रेस गिल्ला हो गया इतने आंसू। फिर ऐसा हुआ था कि बहुत अच्छा सेशन हुआ और मुझे याद है उस सेशन में लगा कि अरे अभी भी कुछ कुछ बातें हैं जिनको मैंने अभी तक फॉरगेट लेट गो नहीं किया पर वो सेशन के बाद पूरी तरह से मैं खाली हो गई और अब उन सब चीजों को कभी याद भी आए तो हंसी आती है और शुक्रिया करती कि ऐसा हुआ तो यहाँ है तो आज इस यहाँ पहुंचे नहीं तो वही कुछ और होता लाइफ अभी और अभी जो मिला है वो तो बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग मतलब ऐसे मेरी ये रोज की हैबिट है पता नहीं शायद मेडिटेशन से मैं 2 साल से जुड़ी हूँ लेकिन ये रात में मैं डेली इतना तो बोल के सोती हूँ भगवान को कि भगवान आज दिन भर में मेरे से जो भी गलतियां हुई उसके लिए मुझे माफी करना और मुझे इतनी समझ देना कि मैं वो गलती फिर से नहीं कर सकूं इतना तो मैं रोज बोल के सोचती हूँ ये मेरा नियम है। लेकिन आज तुमने जो बताया सिखाया मतलब अमेजिंग मेरा तो पूरा शरीर ऐसे झनझन झनझन करने लग गया एकदम से बहुत अच्छा। और एक और बात बोलना चाह रही जो
श्वेता की ने वो थ्री ब्रीथिंग वाले जो थ्री स्टेप ब्रीथिंग का जो करवाया था वो एक बार प्लीज फिर मतलब मैं बोल रही हूँ कि हफ्ता में एक दिन तुम करवाओ लाइव। अच्छा कराने के लिए क्या? हाँ, जरूर कराएंगे। अभी अपना जो ये अल्फाबेट सीरीज चल रहा है और किसी दिन हो पाया तो रख लेंगे बीच में कभी इवनिंग सेशन रख लेंगे। हाँ, मेरे को उससे बहुत फायदा, मैं डेली 10 मिनट वो कर रही हूँ मॉर्निंग में, बहुत फायदा हो रहा है मुझे तो। मैंने तो 2-3 जन को बताया भी है करने के लिए। बहुत अच्छा रंजना जी, थैंक यू। और जितने अपने जो भी है कि आंसू निकल रहे हैं या कुछ, सब सफाई हो रही है, बिल्कुल निकाल दीजिए उसको, खत्म करिए। अनुराधा जी आप बोल पाएंगे तो बोलिए। अनुराधा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूटेड हो, लेकिन कुछ अपने माइक को पास में ला के देखिए कि होता है क्या। रुकिए मैं फिर से अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। अनुराधा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। पिनाकिन जी अनम्यूट करें अपने आप को। मैम मैंने आज तक बहुत सारे फॉरगिवन सेशन अटेंड किए हैं, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट फैबुलस फैंटास्टिक सेशन है। आपका जो फॉरगिवन का सेशन है इतना डिटेल में आज तक किसी ने नहीं करवाया। थैंक यू मैम। थैंक यू पिनाकिन जी, थैंक यू सो मच, आपने अटेंड किया है। और पिनाकिन जी कह रहे हैं उन्होंने बहुत सारे फॉरगिवनेस सेशन अटेंड किए लेकिन ये उनको बहुत अच्छे इनको लगा और अच्छे से हो पाया। थैंक यू पिनाकिन जी। रेखा जी, रेखा क्या के पीएम लिखा, अनम्यूट करें अपने आप को। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। मैंने मुझे ध्यान नहीं था आज आपका प्रोग्राम के लिए, तो मुझे किसी कौन से ग्रुप में ऐड करा दीजिए ना, मेरा नंबर ले लो भले इसमें से कोई एडमिट है तो मुझे कौन से ग्रुप में ऐड होना है। आप एक व्हाट्सएप पिनाकिन जी एक बार वो सेंड कर दीजिए ना, ग्रुप का लिंक आप शेयर करते हैं ना, कर दीजिए, वो शेयर कर रहे हैं चैट बॉक्स में, तो आप उसमें से आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नंबर दे दूं, वो मुझे ऐड कराएंगे, मेरा नंबर दे दूं उनको। हाँ चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए। अच्छा, ठीक है ना। और और मैम मैंने लिया था उसमें ये मिला था, ये मैंने लगाया नहीं, अभी हाथ में पकड़ के करती हूँ मेडिटेशन। अच्छा लगा सकती हूँ या इसके लिए और कुछ चार्ज करना पड़ता है इसको? आप मुझे व्हाट्सएप में फोटो भेजिएगा ना, मैं जब पी फॉर क्लास में सोच रखी हूँ, जब पी आएगा तो मैं पिरामिड पे बताऊंगी सब कुछ तो। अच्छा। और वैसे आप चार्ज आप मुझे एक बार व्हाट्सएप में दीजिएगा तो मैं आपको बता दूंगी, वॉइस मैसेज कर दूंगी। ठीक है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ओके थैंक यू रेखा जी। संगीता अग्रवाल जी, सभी ध्यानियों को नमस्ते। नमस्ते। मैं ध्यान तो नहीं करी मैम, पर आप जब ध्यान करवा रहे थे, माफी मंगवा रहे थे, जब मैं रोटी बना रही थी तब अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया कि हम लोग जो टेबलेट खाते हैं विटामिन की, पहले पहले जैसे थायराइड के साथ में जो विटामिन की टेबलेट देते थे वो नॉनवेज का होता था, प्राय नॉनवेज के ही टेबलेट होते थे, तो पहले तो मुझे इतना ज्ञान नहीं था, मैं खा लेती थी, मैं 1-2 साल खाई भी होगी, झूठ नहीं बोलूंगी। किंतु जब मुझे मेरे बेटे ने बताया कि इसके अंदर मम्मी नॉन वेज रखा है तो मैं वो विटामिन का दवाई खाना बंद कर दी, बोली चाहे मेरा कुछ भी हो, हड्डी टूटे कुछ भी हो, पर मुझे विटामिन का दवाई इसके साथ नहीं खाना है। और डॉक्टर को भी मैंने कहा कि इसमें नॉन वेज होगा, मुझे कभी भी वो दवाई मत दीजिएगा। किंतु मैंने 1.5 साल जो खाया उसके लिए मैंने माफ़ी मांगी, रोटी बनाते बनाते मैंने उन सब जानवरों से माफ़ी मांगी कि जाने अनजाने में भी मैं कहीं ना कहीं तो मैं दोषी हूँ और मैंने खाया है, अपने अंदर मैंने लिया है, तो मुझे बहुत उसमें तकलीफ भी हुआ कि जो बचपन से टीवी में देख लेने से खाना बंद कर देती थी, मैंने दवाई अपने शरीर में 1-1.5 साल डाला है, मतलब कितना दवाई डाला है मैंने, तो बहुत मुझे उस चीज का थोड़ा रियलाइज आज हुआ इतने दिन के बाद में कि मैं अनजाने में मैंने खा लिया, मैंने नॉनवेज ले लिया अनजाने में भी। कोई बात नहीं, हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ कि कोई भी अगर टेबलेट खाते हैं तो आप उसका इंक्वायरी करके खाइए, क्योंकि आप अगर नहीं देखेंगे तो आप भी इसी का भागीदारी बन जाएंगे जाने अनजाने में, कोई भी टेबलेट खाते हैं आप उसको जरूर चेक कीजिएगा। थैंक यू संगीता जी फॉर शेयरिंग। और उन्होंने कहा कि हाँ टैबलेट में जो रेड साइन नहीं रहता है
इसका मतलब ही उसमें कुछ नॉनवेज का जैसे वो फिश ऑयल वगैरह ऐसा कुछ डाला जाता है। तो आप हम ध्यानी अगर हैं तो ध्यान से ही हम ऐसे ही अपने आप को हील कर सकते हैं, पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग वो टैबलेट वगैरह जैसा कुछ हो तो उसको भी अवॉइड करें। नॉनवेज किसी भी रूप में हम खाते हैं तो उसको हम चेक करें और अपने आप को अवॉइड, उस चीज को अवॉइड करें। थैंक यू सुनीता जी। और सुनीता किट्रो जी बोलिए। जी नमस्ते श्वेता जी, और सभी को नमस्कार। श्वेता जी आज तो मैं स्पीचलेस हूँ, मेरे पास आज कोई वर्ड ही नहीं है ये कहने के लिए कि आज जो कुछ आपने बताया मेरे सामने, तो मेरी पूरी अपनी प्रोफेशनल लाइफ की पूरी रील चलती रही। क्योंकि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में तो मैं नहीं कहूंगी कि मैंने कोई इतना किसी के साथ बुरा किया है या मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है, नहीं, इट वॉज वेरी स्मूथ। कभी अनजाने में अगर कुछ हुआ हो तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत राइवलरी देखी है, बहुत ऑब्स्टेकल्स देखे हैं, लोगों ने मुझे इतना तंग किया, इतना परेशान किया। जब भी मैं आगे बढ़ने की कोशिश करती थी या होता था मेरे साथ अच्छा कुछ होने वाला होता था तो ऐसे ऐसे ब्लॉकेट्स डाल देते थे, ऐसा ऐसा कुछ कर देते थे। तो नेचुरली उनके लिए मेरे मन में कई बार, मतलब अभी भी, इवन अब भी, नाउ स्टिल नाउ, मुझे बड़ी फीलिंग्स आती थी कि क्यों इनके साथ भी ऐसा होना चाहिए, इन्होंने मेरे साथ ये बुरा किया, इनके साथ भी ये होना चाहिए। तो ये मेरे मन में मतलब चलता रहता था। लेकिन आज जब आपने ये बताया, फॉरगिवनेस तो ठीक है, लेकिन जो आपने ये बताया कि फॉरगिवनेस नहीं करने से हमारी सोल पे क्या इफेक्ट होता है, तो हमारी जो सोल प्रोग्रेस होती है वो कैसे ब्लॉक होती है, दैट वॉज वेरी, मतलब उसने मेरे को एकदम झंझोड़ दिया है उसने, मतलब उससे मुझे काफी वो लगा कि नहीं ये सब कुछ बहुत ही है। इसलिए जब आपने ये मेडिटेशन कराई मेरे सामने पूरी वो रील चलती रही और मैं माफी मांगती रही सबसे, और थोड़ा फील तो हो रहा है मुझे, थोड़ा हल्कापन तो लग रहा है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है इसकी जरूरत है, क्योंकि मैंने बहुत कोसा है, बहुत ही कोसा है जिन लोगों ने भी ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए मेरे लिए, इवन आज तक भी, अभी भी मैं कोसती हूँ, लेकिन आज के बाद तो ये कभी नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्योंकि जो बेसिक आपने चीज बताई कि क्या है, उसने मेरे को काफी ये किया, इम्पैक्ट किया है, तो मुझे उसका मतलब समझ में आ गया है। तो दैट इज रियली, इट वॉज वंडरफुल, फैबुलस, जैसे पिनाकिन जी ने कहा, फैंटास्टिक एंड फैबुलस, रियली इट वॉज दैट, मोर देन दैट, उससे भी अच्छा है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जो ये आप हमारे अंदर की जो चीजें जो हमें बिल्कुल बता रही हैं कि आप कि अपनी सोल को कैसे हमें इवॉल्व करना है, ये चीजें, ये जो चीजें ये हमने पहले सुनते थे पढ़ते थे लेकिन इतना सीरियसली लेते नहीं थे, लेकिन अब जबकि इस प्रोसेस से जुड़े हैं तो अब लगता है कि नहीं, इस एक एक चीज को हमें फॉलो करना चाहिए। यूं तो मेरा भी, जैसे वो संगीता जी कह रही थी कि रात को सोने से पहले, रंजना जी कह रही थी शायद कि रात को सोने से पहले वो माफी मांगती, तो मेरा भी ये है कि मैं भी सुबह मॉर्निंग में उठ के भी रात को सोने से पहले भी माफी मांगती हूँ, या जो भी मेरे से गलती हुई है या कुछ हुआ है उसके लिए कहती हूँ। लेकिन फिर भी ये एक चीज, क्योंकि वो होता है जैसे सुपरफिशियली इंसान अपनी लाइफ में चल रहा है तो बोल रहा है मुंह से, जो अंदर की चीज है, जो अंदर आत्मा से आवाज आती है, वो चीज होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए, उसका रीजन जो आपने बताया, दिस वॉज रियली रियली इम्पैक्टफुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनीता जी, बिल्कुल एकदम सही कहा आपने। इतने सोचते हैं ठीक है फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, ये वो नहीं, कलीग्स हैं या किसी भी रूप में कोई, और जब तक हम उसको फॉरगिवनेस नहीं करेंगे तो वो हमारे लाइफ में सफरिंग बन के बनता रहेगा और आगे भी लाइफ में मिलेगा। तो अभी उसको लेट गो करते, अभी इसी जन्म में उसको खत्म करें। अनीता जी, एक दो और मैं ले लेती हूँ। अनीता जी अनम्यूट करें। अंशु वर्मा, नमस्ते। बहुत बहुत अच्छा सेशन, मैंने तो आपका सेशन पूरा किया ही नहीं, जिस दिन से आप चालू किए थे उस दिन से रोज सोचती हूँ, रोज करूंगी लेकिन कर नहीं पा रही हूँ, आधा घंटा कभी पौन घंटा करके मेरे को बंद करना पड़ता है। आज मैंने सिर्फ 10 मिनट का किया था, जब आप क्षमा बोल रहे थे कि सबको क्षमा कीजिए,
उस समय मैंने किया 10 मिनट में मतलब इतनी एनर्जी आई और इतना अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये लाइव सेशन में लेना चाहती हूँ कि मुझे ये लाइव सेशन मिले, और ये ग्रुप में भी मेरे को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे इधर उधर से ही आपके ग्रुप में ज्वाइन होती। चैट बॉक्स में ग्रुप का लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिए उसके थ्रू। हाँ ओके, हाँ मैं नंबर भी अपना दे दी। हाँ ओके, हाँ आप भी ज्वाइन कर लीजिए मैं नंबर। हाँ थैंक यू अनीता जी, 10 मिनट आपने इसलिए थोड़ी देर भी आपको आकर इसलिए इतना अच्छा लगा क्योंकि ग्रुप की एनर्जी ऑलरेडी थी, वो बनी हुई थी और आप उससे तुरंत कनेक्ट हो पाए, तो इस कारण से थैंक यू अनीता जी। थैंक यू, थैंक। अंशु वर्मा बोलिए। हेलो मैम, बहुत अच्छा लगा। इवन मेरे मन में भी बहुत सारे लोगों के लिए मतलब जिन लाइफ में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ मतलब गलत किया है तो कभी माफ नहीं कर पाती थी, लेकिन इस मेडिटेशन में उन लोगों को कॉल किया और माफ किया दिल से। तो अब लेकिन अब मतलब मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन लोगों ने बहुत स्कूल में भी और वैसे भी बहुत काफी सारे लोगों ने गलत किया है तो मन में हमेशा उनको कोसती रहती थी। इतना टाइम हो गया, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, बट कभी भी माफ नहीं कर पाई, बट आज काफी सारे लोगों को माफ किया तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम। बट मेरा एक क्वेश्चन ये था कि मैम अभी भी बहुत सारे लोग हैं लाइफ में जो परेशान करते रहते हैं, तो उनके साथ क्या करना मतलब जान के कि परेशान करने वाले लोग हैं तो मतलब मन करता है कि इग्नोर करो बट कर नहीं पाते, पता नहीं क्यों। उनके साथ मैं बुरा नहीं करती किसी के साथ भी, लेकिन मन से अच्छी फीलिंग नहीं निकलती उन लोगों की भी। अंशु जी आपने पूरा सेशन सुना आज? जी मैम मैंने सुना था। वही मैम मतलब कोशिश बहुत करते हैं कि ना इग्नोर करे, और जैसे आपने बोला था वो सोल वाला भी कि वो हमारे बेस्ट फ्रेंड बन के आते हैं। मैम ये वाकई में सारी बातें सच्ची। बिल्कुल हो जाएगा अंशु जी, आज आपने प्रैक्टिस किया है तो इसी को और अभी कुछ दिन प्रैक्टिस करिए, हो पाएगा, कर पाएंगे। इस सेशन को फिर से सुनिए, सारे लाइन सारे शब्द को फिर से सुनिए समझिए, तो हम जब अंदर से उस चीज को समझ पाते हैं और अगर आप कंप्लीटली तभी अंदर से फॉरगिवनेस कर पाएंगे तो वो सब चीजें ठीक हो जाएगी। और वही मैंने जो बुद्ध की भी स्टोरी बताई कि कौन कितने सारे गिफ्ट दे रहे हैं आपको, आप मत लीजिए। उन सब चीजों से हम रिएक्ट नहीं करेंगे तो वो हमारे को नहीं लगेगी, जितना हम सुनकर सोचेंगे रिएक्ट करेंगे तो वो उसके साथ हम कनेक्ट हो गए। कोई बात नहीं, करिए कुछ ना कुछ, हमको लेसन ही मिल रहा है लाइफ का। और अभी किसी लाइफ में उन सब कार्मिक अकाउंट को रिलीज करिए, मुक्त होइए। लुई हेका मैंने जो बताया कि वो तो खुद इतने ऊंचे लेवल में वो पहुंच चुकी थी और सबको करवाती थी फॉरगिवनेस और सबको उन सब चीजों से रिलीज कराती थी, लेकिन उनको खुद को हुआ क्यों? क्योंकि बचपन की चीजों को उन्होंने नहीं माफ किया था। तो अपने आप यही सोचिए कि नहीं, मेरे को इन सब चीजों से मुक्त होना है, माफ करना है, देना है, मांगना भी है, और पता नहीं कौन सा, चाहे वो कार्मिक अकाउंट था या वो सोल के लेवल में हमारा कुछ पेशेंस या टॉलरेंस के लिए टेस्ट हो रहा है, तो इसके का तो किसी भी रूप में आपको उसको समझ कर आप उनको माफी दीजिए और मांगिए और साथ में थैंक यू करिए कि इन लोगों ने मुझे कुछ ना कुछ, ये लोग सिखा रहे हैं मुझे, तो थैंक यू। ऐसा करिए, हो जाएगा, भले एक बार में ना हो लेकिन कुछ दिन के प्रैक्टिस से। एक मेरा मैम लास्ट क्वेश्चन और का छोटा सा कि मैम हाँ। जैसे ऐसा होता है कि मैं कभी किसी के साथ बुरा नहीं करती, इवन मैं एक मच्छर भी मारती हूँ ना तो मुझे अंदर से बहुत खराब लगता है कि मैंने इसके साथ दिया। मारने के बाद बुरा लगता है? आप मारती है मच्छर को? भी नहीं मारना चाहिए ना, लेकिन कई बार कोई जैसे मच्छर वगैरह भी परेशान करते हैं बट मारना पड़ता। देखिए क्या बोलूं मैं, आपने कहा मारने के बाद बुरा लगता है तो मैं लेकिन आपने किया गलती से हो गया, चाहे अपने बचाव के लिए या क्या, ऐसा बच्चा से मच्छर से तो क्या तो बचाओ आपने, लेकिन वही चीज हमको पता नहीं चलता है हम कब अनजाने में कुछ गलती कर गए और फिर हमें लगता है कि हमने तो कुछ नहीं किया है, तो पता नहीं किस भी कारण से, तो अपने आप को हम लोग को चेक करना पड़ेगा। एक मच्छर में भी उतना ही जान है, उतनी ही प्राण है जितना कि हमारे भीतर है, तो बिल्कुल नहीं मारना है, बिल्कुल नहीं मारना है।
तो ऐसा एकदम, बल्कि आप फॉरगिवनेस करेंगे तो उस मच्छर से जरूर फॉरगिवनेस करिए, कि जब भी किसी को अपने मच्छर को भी मारा है तो उससे बहुत बहुत फॉरगिवनेस करना है। जब आप दिल से एकदम आपके फॉरगिवनेस भी कर रहे हैं तो आंखों में आंसू आना चाहिए कि मेरी वजह से एक जान गई। तो इस तरीके से आप उस दर्द को, उस तकलीफ को फील करें, तब जाकर आप उस चीज से रिलीज हो पाएंगे। और चाहे वो कोई और आपको तंग कर रहा है, तो चाहे वो मतलब आपने एक मच्छर को ही मारा था तो इस कारण से ऐसा हो रहा है, तो आप एकदम उसको फॉरगिव मतलब वो करिए, फॉरगिवनेस मांगिए। और देखिए जिन लोगों से तकलीफ है, खासकर उन्हीं लोगों को याद करिए, या जिन लोगों को लगता है कि उन लोगों ने मेरे को लाइफ में सफरिंग दे रखी, उनको याद करिए, उनको फॉरगिव करिए, ग्रेटिट्यूड करिए। और साथ ही साथ एक चीज और, ब्लेस करिए उनको, उनके लिए अच्छा मांगिए, अच्छा अच्छी बातें बोलिए कि वो अपने जीवन में बहुत खुश हैं, वो उनके दिल में सबके लिए प्रेम है, उनके दिल में मन में किसी के लिए कड़वाहट नहीं है। तो आप उनको ब्लेस कर रहे हैं, उनको अच्छी एनर्जी मिल रही है, उनके भाव विचार चेंज होंगे तो वो आपके प्रति भी चेंज होंगे, वो लोग आपको नहीं परेशान करेंगे या नहीं सफरिंग। तो अगर नहीं भी कर रहे हैं परेशान, पहले की बात है, आप उनको ब्लेस करेंगे, आप सोच नहीं सकते क्या रिजल्ट मिलेगा। 360 डिग्री चेंजेस आएगा आपके लाइफ में। आप ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस, ब्लेसिंग, ये तीन चीज अपने जीवन में अपना लीजिए। तो बस चलिए अब वापस से अनम्यूट सबको और सब क्लैप करेंगे, मीटिंग ओवर करेंगे। थैंक यू हमारा नया जीवन शुरू होगा। वाओ ग्रेट।